चलिए, परफेक्शन का सेट नंबर 4 है, ठीक है, जो कि मुख्यतः आई थिंक इसमें केमिस्ट्री है, ठीक है, तो इसको देखेंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री साथ दोनों है इसमें, ठीक है, तो इसको देखेंगे। और ये सेट एनसीईआरटी के बेस पे है, ठीक है, और थोड़ा सा देखिए शोरगुल कम हो, क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग है, लेकिन यूट्यूब पे भी जाता है, बहुत सारे लोग का कंप्लेन भी आया था, तो ठीक है, उतना ही बात करेंगे जितनी आवश्यकता हो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करने हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, रेयॉन या कृत्रिम रेशम एक सिंथेटिक फाइबर है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है, नाइलोन को पौधे या तंतु के कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए बनी रस्सियां रेयॉन की बनी होती है, ठीक है। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल दो और तीन सही है, केवल तीन सही है, या फिर केवल दो सही है, बताइए कौन सही लग रहा है आपको इसमें से। एक और दो ए दोनों ए सही नंबर है। सर, एक ए नंबर, एक और दो। बिल्कुल, एक और दो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है, ठीक है। मतलब अगर बात करेंगे तो रेयॉन या कृत्रिम रेशे एक सिंथेटिक फाइबर है, सही है। नायलॉन को पौधे या तंतु के कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए रस्सियां रेयॉन की बनी होती है, ये गलत है। तो किसकी बनी होती है, किसकी नायलॉन, बनी होती है, लॉन की। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में हाँ, रखिएगा, लॉन की नायलोन के बनी होती बने होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिए, किसकी बनी होते हैं, नायलोन के बने होते हैं, ना कि रेयॉन के बने होते हैं, ठीक है। रेयॉन की बात करेंगे तो प्राकृतिक रूप से इसको कॉटन भी बोला जाता है, ठीक है। क्लास छोड़ के अगर जाएंगे बीच में से, दोबारा आएंगे तो एक बार अनम्यूट करूंगा, दूसरा बार नहीं करूंगा, कोई भी रहे, ठीक है, पढ़ना पड़िए नहीं तो घर पे बैठिए, ठीक है। चलिए, दो लोग रहेंगे, उन्हीं को बताऊंगा, वही सही से रहेंगे, एक बार कर दूंगा, दोबारा अगर लेफ्ट करके गए दोबारा नहीं करूंगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से एक है, जिसे एक ढाले जाने पे गर्म करके नरम नहीं किया जाता है। दूसरा की बात करेंगे, दूसरी ओर नायलोन थर्मोप्लास्टिक है, जिन्हें गर्म करके फिर से ढाला जा सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, मेलामाइन एक बहुमुखी अग्नि प्रतिरोध सामग्री है। आपको बताना है सही कूट का चयन करना है, बताइए कौन से कथन सही है, बताइए। सभी सर। बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है आपके सही है, क्या है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है आपके सही है, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से एक है, जिसे एक बार ढाले जाने पे गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर नायलोन थर्मोप्लास्टिक है, जिन्हें गर्म करके फिर से ढाला जा सकता है। और तीसरा क्या है, मेलामाइन एक बहुमुखी अग्नि प्रतिरोध सामग्री है, ठीक है, अगर पूछेगा मेलामाइन क्या है तो बहुमुखी अग्नि प्रतिरोध सामग्री है, सारे स्टेटमेंट आपके क्या है सही है। चलिए तीसरा जी सर, चलेंगे, तो अग्नि तीसरा शामक में इसका देखेंगे, प्रयोग किया जाता है, देख लो, मेलामाइन का। अग्निशामक में इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल मेलामाइन का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, मतलब असत्य है, उस पर हमें विचार करने हैं। चलिए तीसरा देखेंगे, पहला देखेंगे, तीसरा नंबर का पहला स्टेटमेंट क्या है, सोडियम एक धातु है जो अपनी तन्यता के लिए जानी जाती है। गलत है, यही गलत है, बिल्कुल ठीक है, सोना अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु है, पोटेशियम धातु इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, बताइए कौन सा सही। स्टेटमेंट इसमें आपको पहला गलत, गलत लग रहा है, बताइए। पहला बिल्कुल, सर, बाकी पहला सब स्टेटमेंट सही गलत है, सोडियम एक है। धातु जो अपनी तन्यता के लिए नहीं जानी जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सोडियम तो बहुत ही सॉफ्ट धातु होती है, तन्यता के लिए कैसे जाने जाएंगे, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है, तो गलत हो गया। बात बिल्कुल, आप चलेंगे चार नंबर क्वेश्चन, ठीक है, खुरदरी सतह पर टकराने पर माचिस की तिल्ली को जलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। आप मारते हैं ना खुरदरी सतह पे, देखिएगा होता है ना माचिस बॉक्स में, एंटीमनी और ट्राइसल्फाइड होता है, सफेद फास्फोरस होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है, या फिर सभी होते हैं, बताइए जरा कौन सा सही है इसमें। सभी सब सभी बिल्कुल सभी होगा होते सभी। हैं, बहुत सुंदर, ठीक है। खुरदरी सतह पर टकराने पर माचिस की तिली को जलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो एंटीमनी और ट्राइसल्फाइड, सफेद फास्फोरस, पोटेशियम सल्फेट, सारे के सारे सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे, पांच नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित करता है, तो बताइए ध्वनि की तीक्ष्णता कौन निर्धारित करेगा, ध्वनि तरंगों की ऊंचाई नंबर निर्धारित सर, करेंगे, ऑप्शन सुनिए फिर बोलिए जवाब, ठीक है, 1 सेकंड में कंपन, ध्वनि तरंगों की दिशा,
ध्वनि तरंग की प्रबलता, बताइए ध्वनि की तीक्ष्णता कौन निर्धारित करता है, आप बताइए। कंपन, बिल्कुल, एक कंपन सेकेंड में कंपन जो होता है वो निर्धारित करता है, ठीक है ध्यान रखेंगे, एक सेकेंड में कंपन जो होता है वही अपनी ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित करती है, ठीक है। चलिए सी को निम्नलिखित, आवृत्ति भी कहेंगे। बिल्कुल आवृत्ति भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करने हैं। उच्च आवृत्ति ध्वनि के तारत्व तो जितनी अधिक होती है, कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी प्रबल होगी, ठीक है, तारत्व जितना कम होगा ध्वनि उतनी तीखी होगी, बताइए तीनों कथन में से कौन सा कथन जो है गलत है, बताइए। गलत है पहला, तीसरा गलत है, पहला बिल्कुल, केवल तीन कथन ही गलत है, ठीक है, तो केवल तारत्व जितना कम होगा ध्वनि उतनी ही मतलब तीखी होगी, ये गलत है, मतलब तारत्व जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तीखी होनी चाहिए, ये सही होगा, जी सर। बिल्कुल ठीक हाँ है। तारत्व तो जितना बड़ा होता है ध्वनि उतनी तीखी होती है, ना कि मतलब कम के सेंस में। बाकी की बात करेंगे, दो स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो दो स्टेटमेंट का उच्च आवृत्ति ध्वनि के तारत्व तो जितनी अधिक होती है सही है, कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी, यह भी सही है, ठीक है ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु में आवेश की उपस्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताइए, आप इसको छांट के भी बना सकते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप का, एंडोस्कोप का, इलेक्ट्रोस्कोप का, फिर कैथोस्कोप का, किसका प्रयोग करते हैं बताइए। इलेक्ट्रोस्कोप, बिल्कुल ठीक है, किसका, आवेश की, बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है आवेश की उपस्थिति की जांच करने के लिए, ठीक है ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, एल्यूमिनियम को नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक पेन को नहीं कर सकते, खुला हुआ गुब्बारा को नहीं कर सकते, या फिर ऊनी स्वेटर को नहीं कर सकते आसानी से आवेशित, बताइए किसको नहीं कर सकते हैं। एल्यूमिनियम बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर, प्लास्टिक किसको नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, एल्यूमिनियम को नहीं कर सकते हैं, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, तो एल्यूमिनियम को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस प्रकार का दर्पण बनाने वाले छवि के पार्श्व उत्क्रमण के लिए जिम्मेदार है, बताइए कौन जिम्मेदार है, ठीक है, किसी भी फोकस दूरी का समतल दर्पण, या फिर 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, ऋणात्मक फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, या फिर द्विफोकल शक्ति के साथ उत्तल दर्पण, बताइए कौन सा सही है इसमें से। समतल दर्पण, बिल्कुल ठीक है, ए समतल नंबर, ठीक है। निम्न में से किस प्रकार का दर्पण बनने वाली छवि के पार्श्व उत्क्रमण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, किसी भी फोकस दूरी का समतल दर्पण, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 10 नंबर प्रश्न की बात करो तो 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे जरा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करने हैं, सोडियम और मैग्नीशियम अणुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है, तांबा और कार्बन प्रति चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है, लोहा और कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है, ठीक है, बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, बताइए कौन सा कथन सही भी है। सही है। बिल्कुल ठीक है, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, क्या है, ऑल स्टेटमेंट ट्रू मतलब सभी कथन जो है सही है। सबसे पहले एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सोडियम और मैग्नीशियम अणुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है, बिल्कुल, तांबा और कार्बन प्रति चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण, ये भी सही है, लोहा और कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थों के क्या है तो उदाहरण है, मतलब लोहा और कोबाल्ट में अगर चुंबक वगैरह चिपकाएंगे तो ये इसमें अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक साइकिल सवार एक वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिल चला रहा था, एक साइकिल सवार एक वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिल चला रहा था, लगभग 1 घंटे तक साइकिल चलाने के बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गया, उपरोक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, कुछ दूरी तय करनी होगी तब वो आ जाएगा, विस्थापन शून्य होगा तब वो आएगा, या फिर तय की गई दूरी विस्थापन से अधिक होगी तब वो आएगा, या फिर विस्थापन तय की गई दूरी से अधिक होगा, बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपको सही लग रहा है, डी वाला क्या होगा। बिल्कुल ठीक गलत है, बिल्कुल ठीक है, ये कथन कौन सा कथन गलत है, तो विस्थापन तय की गई दूरी से है। अधिक नहीं होगी, ठीक है ध्यान में रखें, क्या विस्थापन आएंगे, हमेशा कम होता है दूरी से। बिल्कुल कम होगा दूरी से अधिक नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बहुत खूब, वेरी गुड, ठीक है। चलिए देखिए कि निम्नलिखित में से किसने द लिटिल बैलेंस और लॉ लॉ बालनसीटा नामक पुस्तक लिखी, आइजेक न्यूटन ने, गैलीलियो गैलीली ने, निल्स बोर ने, या फिर निकोलस कॉपरनिकस ने, किसने लिखी ये पुस्तक, बताइए जरा हमें। न्यूटन ने, आइजक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली ने लिखी, ठीक है, न्यूटन, न्यूटन की आइजक पुस्तक है प्रिंसिपिया, कौन सी पुस्तक है,
प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है? न्यूटन साहब उनकी, ठीक है। ये अच्छा पुस्तक किसकी है? द लिटिल बैलेंस, और ठीक है लॉ बैलेंसिटा नामक पुस्तक किसकी है? गैलीलियो गैलीली का, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। कैरम बोर्ड के खेल में ढेर के नीचे स्थित कैरम के सिक्के को तभी हटाया जाता है जब तक एक तेज गति से चलने वाला स्ट्राइकर उसे न मारता है, ठीक है। आप लोग भी देखते हो एकदम नीचे में मारते हैं हम लोग, ठीक है, गोटी को गिराने के लिए। उपयुक्त कथन में न्यूटन साहब का कौन सा मतलब गति का नियम मतलब इसमें काम कर जाएगा, मतलब कौन सा नियम का वर्णन करेगा, बताइए जड़त्व कौन सा और नियम पहला, लगेगा? बिल्कुल, गति का पहला नियम, दोनों ठीक है, जड़त्व का भी नियम और गति का पहला नियम दोनों काम करेगा, ठीक है। मतलब जड़त्व का नियम क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का नियम है, यही है ना जड़त्व का, और नहीं पहला जड़ा, गति वो के भी सॉरी अवस्था सॉरी में, ज्ञान अवस्था में तीसरा बनाए होगा, रहता जो है ना, वो सॉरी तो सॉरी, अब तीसरा पहला होगा। नियम क्या है? तीसरा में बता दिया, सॉरी, ठीक है। पहला पहला वाला वस्तु नियम अपनी क्या है? जब विराम तक अवस्था, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, पहला वाला नियम ये कहता है कोई वस्तु अपनी विराम का नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपना, ठीक है, अपना जो उसका जो मेन अवस्था जो होता है तब तक बनाया रखता है जब तक बाहरी कोई अपना गति मतलब उस पे आके मतलब वो उसको परिवर्तन न करे, ठीक है। अपना ध्यान रखें गति का पहला नियम ही, क्योंकि जड़त्व के नियम से ही गति का पहला नियम भी क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, सही है, ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सही वर्णन करता है, ये बताइए, ठीक है। ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नहीं है नियम, ठीक सर, है। अच्छा नहीं है, वर्णन वर्णन नहीं है, नहीं है, ठीक है, बताइए। तो कौन सा नहीं है बताइए, गेंद पहला है, दूसरा है सी, नहीं है नाव को पक्ष पकड़ते समय सी, खिलाड़ी पक्ष अपना अपना हाथ अंदर की ओर दूसरा है, कर लेता है, ठीक है, किसका नियम है बताइए? एंड लॉ है ये, दूसरा नियम गेंद, होगा सर, ठीक है, तीसरा नंबर है ना सेकंड लॉ, पहला ठीक, दूसरा तो थर्ड लॉ पे ही आधारित है ना। गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपना हाथ अंदर की ओर ले जाता है, न्यूटन तीसरा के गति का तीसरा नियम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। बाकी नियम है तीसरा नियम में बात करेंगे, गोली चलने पर जी, बंदूक का दूसरा पीछे नियम हटना, है, यह है। नाव की पक्ष गति, जब एक नाभिक उससे आगे की दिशा में कूदता है तो देखिएगा नाव पीछे की ओर भाग जाती पीछे है, यह भी की है, ओर ठीक भाग है। जाती है। चलिए, एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 6 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर उसका भार कितना हो जाएगा, बताइए जरा क्या होगा? तो 600 से भार गुना वही कर रहता है, दीजिए, भार वही भार रहता की है, बात हो रही है, द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है, ठीक है, भार की बात हो रही है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 36 न्यूटन, 6 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखें, आवाज जहां से आ रही है बंद कर लीजिए, ठीक है। द्रव्यमान की बात नहीं हो रही, भार की बात हो रही है, ठीक है, वजन का है नहीं चेंज होगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है ना। चलिए, लैक्टोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे काम करता है लैक्टोमीटर, बताइए किस सिद्धांत पे काम करता है? आर्किमिडीज बिल्कुल, ठीक है, लॉ ऑफ आर्किमिडीज पे काम करता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, किस पे काम करता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, लैक्टोमीटर। चलिए आप चलेंगे 17 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है, ठीक है, सही संबंध कौन है सो बताइए, बी और सी, बताइए। सी वाला सी सही है, बिल्कुल, बी ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर सही स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, और उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, हाँ, तो गतिज ऊर्जा तीसरा बराबर ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा प्लस बताइए एक मिनट, यह भी सही है, ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे मतलब क्या, गतिज बताइए, ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे स्थितिज बी और ऊर्जा सी में तो अगर सेम गतिज है, ऊर्जा को अगर जोड़ देंगे तो वही ये भी निकल कर आ जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकल तो फार्मूला काम हो जाएगा, तो सारे जी दोनों सर, के दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, वही सही है, है ठीक है। चलिए आप देखेंगे, 50 वाट का एक बिजली का बल्ब, ठीक है, 50 वाट का एक बिजली का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा की खपत होगी, बताइए, ये तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, पॉइंट ठीक टू है, फाइव यूनिट, बिल्कुल, जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट टू टू फाइव फाइव यूनिट जीरो होगा, पॉइंट ठीक है, टू कितना यूनिट फाइव होगा, तो 0.25 यूनिट का मतलब क्या होगा, खपत होगा, ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए यानी आप पचास चलेंगे इंटू 19 फाइव नंबर, हाँ इंटू 1000 हो गया है ना, डिवाइडेड बाय हाँ 1000, हाँ वही हुआ, हाँ 50, 25 हो गया ना, 25 बटा ये 500, नहीं 1000 से 250 बटा मल्टीप्लाई हाँ कर देते, 1000 हो गया जी, 250 इंटू बटा कितना हो जाएगा, थाउजेंड 1000, हाँ तब तो आ जाएगा, ये फॉर्मूला जी क्या होता सर, नहीं पता हमें, ठीक है। आगे चल, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की प्रबलता या फिर कोमलता इसमें निर्धारित है करता है, ठीक है, जितना छोड़, दिया है उसको इंटू कर देने पे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देने पे आ जाएगा, ठीक, हाँ वही किलो वाट घंटा होता है ना, तो एक एक घर ये
वाट बराबर पर शायद 1000 होता है ना कुछ यूनिट, हाँ ठीक इसीलिए है, 1000 बिल्कुल से भाग ठीक, दिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलेंगे तो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की प्रबलता या कोमलता निर्धारित करता है, बताइए क्या होगा। प्रति सेकंड तरंगों की आवृत्ति संख्या, आयाम ध्वनि की सर, आवृत्ति, ध्वनि आवृत्ति तरंगों की उच्चतम ध्वनि बिंदु, या का फिर ध्वनि का आयाम। आयाम, ऑप्शन सुन लीजिए फिर बोला कीजिए क्या होगा, बताइए। आवृत्ति बिल्कुल ध्वनि ठीक का है, आयाम सर। जी ध्वनि का आयाम, ठीक है ध्यान में रखिएगा क्या होता है, ध्वनि का आयाम होता है। ठीक है चलिए, अच्छा, निम्नलिखित में से पीच कौन सी पे ध्वनि ठीक की प्रबलता या ठीक है कोमलता निर्धारित करता है, ठीक है तो आयाम पे होता है, ठीक है ध्यान में रखिएगा। ठीक है किस पे होता है, ध्वनि के आयाम पे। है। जैसे यदि कोई क्वेश्चन ध्वनि आता है ना तरंग सर कि महिलाओं का आवाज पतला क्यों होता है, वही आयाम यानी फ्रीक्वेंसी ये आपका पीच पे निर्भर करता है ना, तरंग बिल्कुल या बिल्कुल आयाम ठीक है, दोनों फिर का, बिल्कुल ठीक है। रेजोनेंस का। यदि कोई ध्वनि तरंग कम तापमान वाले क्षेत्र में से तुलनात्मक रूप से उच्च तापमान वाले क्षेत्र की ओर यात्रा करती हो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच होगा, गति इसकी बढ़ गति कम जाएगी, हो जाएगी। बार बार बोल बढ़ रहा हूं ना, जाएगी, ऑप्शन आप लोग सुन लिया कीजिए फिर बोला कीजिए, तो बीच में आप लोग क्यों बोलते हैं, कितना देर बढ़ लगता है, थोड़ा जाएगी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इसकी, फिर आप ही लोग को ठीक देखना है। है, पूरा सुनेंगे तो फिर अच्छा रहेगा ना। इसकी गति स्थिर रहती है, इसकी गति बढ़ जाती है, इसकी गति दोगुनी हो जाती है, अब बताइए क्या होगा। इसकी गति बढ़ जाती है, सी नंबर। बिल्कुल इसकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है यदि कोई ध्वनि तरंग कम तापमान वाले क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से उच्च तापमान वाले क्षेत्र की ओर यात्रा करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच होगा, इसकी गति मतलब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है क्योंकि कहाँ से जा रही है, कम तापमान वाले क्षेत्र से मतलब क्या, उच्च तापमान वाले क्षेत्र में उच्च जब तापमान जाएगी सर, तो इसकी गति मतलब बढ़ जाएगी। चलिए निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए, यूरेनियम 235 का विघटन नाभिकीय संलयन द्वारा किया जाता है, हाइड्रोजन बर्ग परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करता था, दोनों कथन गलत दोनों सही है है सर, ना, दोनों को दोनों दोनों का सही है। कथन गलत हो जाएगा। तो परमाणु बम है नाभिकीय संलयन पे काम करता है ना कि विखंडन पे, अच्छा ठीक है दोनों को दोनों उल्टा कर दिया है। ठीक है दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है परमाणु बम नाभिकीय संलयन पे, हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन बम, बम हाँ नाभिकीय नाभिकीय संलयन पे, संलयन परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। ठीक है दोनों के दोनों विखंडन स्टेटमेंट क्या है, गलत गलत है। चलिए एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल है। ध्वनि और प्रतिवर्ती ध्वनि के बीच में आवश्यक कितने सेकेंड, मतलब कितने समय अंतराल का डिफरेंसेस होना चाहिए, 0.01 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड, या फिर 0.001 सेकेंड, बताइए कितना होना चाहिए। 0.01 सेकेंड, बिल्कुल सेकेंड ठीक ना, है, जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट वन जीरो सेकेंड एक ठीक है, मतलब जीरो एक बटा पॉइंट दस सेकेंड होता है, कितना होता है, हाँ एक वही बटा तो दस जीरो सेकेंड पॉइंट का वन अंतर सेकेंड होना। हाँ 1/10 ठीक होता है है ना, सही, डी नंबर, ठीक है बी नंबर, डी नहीं बी, बी नंबर सर, बी बी हाँ फॉर ठीक बॉय। है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में कार्बनिक पदार्थों के एरोबिक पाचन द्वारा बायोगैस का उत्पादन होता है, ठीक है बायोमास का बायोगैस में ठीक है थर्मोकेमिकल रूपांतरण गैसीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन और अक्रिय कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सही है, एक दो, दो तीन, एक तीन, या फिर सभी के सभी सही है, सभी सही है क्या? दो सभी और सही तो तीन थोड़ा सही सभी है। ठीक है दो तीन सही, बायोमास सही बायोमास का बायोगैस में थर्मोकेमिकल उत्पादन ठीक है गैसीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ये सही है। बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन कार्बन और ठीक है अक्रिय कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड CO2 का मिश्रण, ये भी सही है। लेकिन ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में कार्बनिक पदार्थों का एरोबिक पाचन नहीं होता है। ठीक है एरोबिक मतलब पाचन वही का लग रहा समझ है। है, विद एयर, एरोबिक का मतलब क्या होता है, विद एयर, इसमें क्या होगा, विदाउट एयर हो जाएगा, हाँ उसमें एनारोबिक होना चाहिए, क्या इसमें लिखा पढ़ दे रहा हूँ, बायोगैस मिश्रण है, देखिए बायोगैस गैसों का मिश्रण है, मुख्य रूप से CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, जो कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों में ठीक है अवयवी पचन के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। ठीक है कौन सा, अभी ठीक अभी है अवयवी पाचन पचन के माध्यम से मतलब क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है इसको आपको क्या कीजिएगा ध्यान में रखना है, ठीक है उसे विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि कृषि अवशिष्ट, पशुधन खाद, सीवेज, कीचड़ और खाद अवशिष्ट। अवयवी पाचन क्रियाओं में ऑक्सीजन मुक्त वातावरण सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप मतलब क्या होता है, बायोगैस मतलब निकलती है। ठीक है इसको भी आपको ध्यान में रखना है, गैसीकरण के माध्यम से बायोमास का बायोगैस में थर्मोकेमिकल रूपांतरण प्राप्त किया जाता है, इसलिए कथन दो और तीन मतलब क्या है, सही है। ठीक है इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलेंगे 24 नंबर, यदि किसी पिंड का भार W है और द्रव्यमान M है, तो उसका द्रव्यमान ठीक है बढ़कर 2M हो जाने पे क्या फर्क पड़ेगा उसके भार पे, बताइए भार क्या होगा, बताइए
वजन दुगुना हो जाएगा, वजन आधा हो जाएगा, वजन चार गुना हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बताइए क्या सही लग रहा है? कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई वजन परिवर्तन दुगुना नहीं। हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वजन दुगुना हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी पिंड का भार W है, द्रव्यमान M है, तो उसका द्रव्यमान बढ़कर 2M हो जाने पे भार पे क्या परिवर्तन पड़ेगा? तो उसका वजन भी मतलब क्या हो जाएगा? दोगुना। चंद्रमा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वजन भी उसका क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये शरीर के द्रव्यमान के उत्पादन के विपरीत आनुपातिक है, ये शरीर के बीच दूरी के सीधे आनुपातिक है, ए और बी दोनों है, या फिर दोनों में से कोई नहीं? बताइए। पहला तो सही है सर, दूसरा पता बताइए नहीं क्या लग रहा था। होगा? दोनों सही है, दोनों सही है। बिल्कुल ठीक ए है, और बी बहुत सही सही, ठीक है। दोनों में से कोई नहीं सही है, ना तो ए सही है, ना तो मतलब बी सही है। गुरुत्वाकर्षण बल के अच्छा। संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये शरीर के द्रव्यमान के उत्पादन के विपरीत आनुपातिक है, ये गलत है। ये शरीर के बीच की दूरी के सीधे आनुपातिक है, तो ये दोनों को दोनों गलत हो गया है, ठीक है। सही क्या है? तो इसका सोल्यूशन सुनिएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण ने सार्वभौमिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल है शरीर के द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे आनुपातिक है, ठीक है। शरीर के द्रव्यमान के उत्पाद के मतलब क्या? सीधे आनुपातिक पहला वाला में, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? शरीर के बीच की दूरी के मतलब क्या होगा? विपरीत आनुपातिक होगा, ठीक है। इसको क्या दोनों किया को है? उल्टा तो कर इसको दिया, आपको उल्टा उल्टा। कर दिया, बिल्कुल। क्या किया है इसको? तो इसको आपको उल्टा कर दिया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश और ध्वनि तरंगे दोनों निर्वात में यात्रा कर सकती है, वायु में प्रकाश तथा गति दोनों तरंगे अनुप्रस्थ होती है, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, हवा में प्रकाश और ध्वनि दोनों तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। बताइए कौन सा कथन जो है सी सही वाला है? सही है, बिल्कुल सी नंबर सर। ध्वनि ठीक है। वायु अनुदैर्ध्य में होता है, ध्वनि तरंगे प्रकाश अनुदैर्ध्य वही होती है सर। जबकि प्रकाश तरंगे मतलब क्या होते हैं? अनुप्रस्थ होती है, ये सही है, ठीक है। प्रकाश और ध्वनि तरंगे दोनों निर्वात में यात्रा कर सकती है, तो ये तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं करेगी यात्रा? नहीं सर, नहीं करेगी, ये नहीं प्रकाश करेगी। करेगी। वायु में प्रकाश तथा ध्वनि दोनों तो अनुप्रस्थ नहीं होगी, क्योंकि अनुप्रस्थ क्या होगा? केवल मतलब प्रकाश होता है। प्रकाश हवा में प्रकाश और नहीं, ध्वनि दोनों अनुदैर्ध्य होगी, तो अनुदैर्ध्य भी नहीं होगी, क्योंकि अनुदैर्ध्य ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि होती है, ठीक है, हाँ ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। 27 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पिंड की जड़ता का माप है? निम्नलिखित में से कौन सा पिंड की जड़ता का माप? पिंड की प्रारंभिक संवेग, पिंड का अधिकतम विस्थापन, ठीक है, ध्वनि द्वारा गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, या फिर पिंड के पदार्थ की मात्रा? बताइए नंबर क्या सही लग रहा है? ए नंबर ए सर, प्रारंभिक बिल्कुल ठीक है, संवेग ध्यान में में पिंड रखें। निम्नलिखित में से कौन सा पिंड की जड़ता का माप के है? तो पिंड के पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा? पिंड की पदार्थ की मात्रा क्या है? इसका सही है, पदार्थ ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चल, एक की लड़का एक खिलौने गाड़ी को धक्का देता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक लड़का जो है एक खिलौना गाड़ी को मतलब क्या करता? धक्का देता है, और गाड़ी लड़के द्वारा लगाए गए बल की दिशा में चलती है। तो उपयुक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लड़के ने काम किया गया कार्य धनात्मक है, ए और बी दोनों है, कोई काम नहीं हुआ? बताइए। ए और सी बी नंबर, दोनों सही है, ए और बी बिल्कुल दोनों ठीक है, सही ए है, और बी। दोनों लड़के ने सर। काम किया है, और किया गया कार्य क्या है? मतलब क्या धनात्मक है? धनात्मक है, ठीक है, ध्यान रखिए। क्योंकि मतलब उसने जो परिवर्तन, जो धक्का दिया, तो आपको गाड़ी में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, इसीलिए कि लड़के ने काम भी किया है, और किया गया कार्य मतलब धनात्मक है, ठीक है। कार्य कभी नकारात्मक साथ होती भी नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, काम जीरो हो सकता है, ऋणात्मक साथ नहीं होता। जैसे आप दीवार में धक्का मारेंगे तो क्या होगा? कुछ कार्य नहीं हुआ, क्योंकि आपने दीवार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया, ठीक है। चलिए आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जी युग्म सर। सही सुमेलित है, ठीक है। पोलिएस्टर की बात नहीं, करें तो कपड़े नहीं है, सॉरी नहीं है, सुमेलित नहीं है। पोलिएस्टर कपड़े पर आसानी से झुरिया नहीं लगती, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट सुनेंगे तो क्या है जरा इसको देखेंगे। टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट, रेयन पैरासिट बनाने में उपयोग किया जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं? आसान तीसरा है, तीन गलत तो है, सीधे पकड़ गया, केवल क्योंकि तीन सर, रेयन का प्रयोग तो नहीं पैराशूट होता है। नहीं बिल्कुल सर, ठीक अभी ना है, पढ़े कि नायलॉन का होता है। बिल्कुल। इसका नायलॉन का प्रयोग होता है, ना कि मतलब रेयन का प्रयोग होता है। रेयन एक प्रकार का मतलब क्या है? प्राकृतिक तो आपको एक रेशा है, रेशा है, ठीक है, ठीक है, कृत्रिम रेशा, सॉरी कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा, प्राकृतिक रेशा नहीं है। लेकिन इसमें ना मिश्रण करके, इसमें तो लकड़ी का जो पल्प वगैरह जो होता है ना, उसका भी प्रयोग किया जाता है रेयन को बनाने में, ठीक है। लेकिन बाकी टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकवेयर में कुकर वगैरह का देखते हुए काला काला रंग का जो होता है टेफ्लॉन ही होता है, पता ही है आपको। पॉलिस्टर कपड़ों में आसानी से झुरिया नहीं पड़ती, इसलिए आप देखिएगा पॉलिस्टर का क्या बनता है, वो जाता बारिश। हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। है। चलिए, लेकिन ये आपका ना वो अच्छा नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको,
क्या बोलते हैं उसको, स्किन के लिए भी अच्छा नहीं होता है। स्किन के लिए हाँ अच्छा नहीं बिल्कुल, होता है, स्किन रैशेस के लिए हो अच्छा जाते नहीं हैं। होता, ठीक है, जी कंफर्टेबल नहीं जी होता। अब देखिए गैल्वेनोमीटर और अमीटर में बदलने के लिए निम्नलिखित जोड़ों की आवश्यकता होती है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए किस जोड़ा की आवश्यकता होती है? समानांतर में कम प्रतिरोध, समानांतर में उच्च प्रतिरोध, ठीक है, श्रृंखला में कम प्रतिरोध, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध, बताइए कौन सा सही है। बी नंबर, ठीक है बहुत समानांतर सुंदर, ठीक में है, कम समानांतर में प्रतिरोध। कम प्रतिरोध, ठीक है, क्या सही है? तो समानांतर में कम प्रतिरोध जो होता है इसके लिए मतलब क्या होता है, आवश्यक होता है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक कप में कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि इसे दो समानांतर समतल दर्पण के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए? अनंत कितने प्रतिबिंब बन सर, सकते हैं? बहुत सुंदर, वेरी गुड, अनंत प्रतिबिंब बहुत बनेंगे। ठीक प्यारा है, सर, समतल चलिए दर्पण में हमेशा अनंत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक अवतल दर्पण अंतरिक्ष में स्थित है, ध्यान से सुनिएगा, एक अवतल दर्पण जो है अंतरिक्ष में स्थित है और दूर के तारे से आने वाली प्रकाश किरणें इससे परावर्तित होती है, किस प्रकार की छवि बनेगी? ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगी, अत्यधिक छोटा बनेगी, या फिर ए और दो दोनों बनेगी, या फिर न दोनों तो बने, ए बनेगी न तो बी बनेगी, बताइए कौन सा सही है। ए और दोनों बी दोनों बनेगी, बनेगा, बिल्कुल दोनों वास्तविक और उल्टा बनेगी और वास्तविक उल्टा अत्यधिक वाला छोटा होता है, बनेगी। ठीक छोटा है, बनेगा। एक अवतल दर्पण अंतरिक्ष में स्थित है, ठीक है, और दूर के तारे से आने वाली प्रकाश किरणें इसमें परावर्तित होती है, तो किस प्रकार की छवि बनेगी? तो ध्यान में रखिएगा वास्तविक और उल्टा, ठीक है, और अत्यधिक छोटा, ठीक है, इसको आपको फोकस पर ध्यान में बनेगा। रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फोकस पे बनेगा। ठीक है, आगे चलेंगे तो देखते हैं किसी शब्दकोश में, ठीक है, आप देखेंगे किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस की प्राथमिकता दी जाती है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस, बताइए किसको प्राथमिकता दी जाएगी, बताइए। नंबर 20 सेंटीमीटर वाला चार होगा, सेंटीमीटर फोकस वाला उत्तल, पहले तो अवतल चार। लेंस तो होगा नहीं, तो दो ऑप्शन तो आपका सीधे सीधे यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, आप दिक्कत है, चार बिल्कुल सर, सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल जी लेंस या फिर 8 सेंटीमीटर, दोनों में से एक हो सकता था, तो इसमें क्या होगा, 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्या होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस? उत्तल लेंस, उत्तल बिल्कुल ठीक उत्तल है, ध्यान रखेंगे। अब हाँ उत्तल होता ठीक है। निम्नलिखित पदार्थों का अपवर्तनांक का सही घटता क्रम बताइए। बर्फ का क्या होता है, बता दे रहा हूँ, बर्फ का होता 1.3 होता है, ठीक है, जल का होता 1.33 होता है, ये तो कई बार हुआ है, पता ही होगा कि उल्टा लिख दिया मैं, कि सही है, होगा। सही लिखा ना, ठीक है, अगर पूरा पूरा अगर देखेंगे ना तो 1.30 नहीं 1.31 होता है। ठीक है, तो बात करेंगे इसको के बढ़ते क्रम में लिखना है कि घटते क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है सर, एक घटते नंबर है क्या, घटते घटते होगा। हुए क्रम में लिखना है, बहुत सुंदर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। सबसे कम मतलब क्या होगा, जल, सबसे ज्यादा जल का, जल के बाद बर्फ का, बर्फ का वायु का, तो आप पूछेंगे वायु का कितना होता है, तो सबसे कम वायु का है 1.00, एक और 0 फिर 3 है, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, जीरो तो बर्फ का बात कितना हो सही जाएगा 1.31, ठीक है, और जल का कितना होगा 1.33, हीरा का बहुत ही ज्यादा होता है, कई बार बताऊं 2.42 होता है हीरा का, ठीक है, सेंधा नमक का नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी सुन लीजिए, N 1.54 सेंधा नमक का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हीरा का सबसे ज्यादा सेंसर होता है से टू ज्यादा, पॉइंट सेंसर फोर टू होता है, ठीक है, हीरा का टू पॉइंट फोर टू, ठीक से है, ज्यादा हो गया, जल से जिंदा बहुत ज्यादा नमक का हुआ जल हीरा से का, ज्यादा हो गया हाँ जी सर, सेंधा वन नमक का पॉइंट जल फाइव से ज्यादा थ्री हो जाएगा। ठीक है, जल का 1.33 है, ठीक है, बर्फ का 1.31 है, 3.0 भी रहता कहीं कहीं पे, इसका अप्रोक्स में 1 है, किसका 1 है, वायु का 1 है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर प्रश्न है। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है सेविंग दर्पण? बढ़े हुए आभासी जी चित्र के लिए, वास्तविक जी और सर, छोटी छवियां के लिए, बढ़े हुए वास्तविक चित्र के लिए, आभासी और छोटी छवियां के लिए, बताइए किस लिए किया जाता है सेविंग में, तीन नंबर, बढ़े बताएंगे हुए जरा। और वास्तविक चित्र के लिए, बहुत सुंदर, बढ़े हुए बढ़े वास्तविक हुए चित्र और के लिए, वास्तविक वास्तविक चित्र को क्या हो जाता है, बढ़ा देता है, इससे मतलब क्या होता है, दाढ़ी आसानी होता वगैरह है सेविंग काटने में करने आसानी हो जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का, ठीक है, सेविंग दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा 1 ओम का सही चित्रण है? ठीक है, 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 कूलाम पर 1 वोल्ट, 1 एम्पियर पर 1 वोल्ट, या फिर 1 वोल्ट पर 1 कूलाम, बताइए कौन सा सही है, एक बताइए। एम्पियर पर एक वोल्ट नंबर, सर, बी नंबर, एक नंबर, बिल्कुल बी 1 वोल्ट, नहीं, नंबर, 1 वोल्ट निकाल बाई देना है। वन एम्पियर, ठीक है, ध्यान में जी रखें, 1 वोल्ट
बाई 1 एम्पियर सही है। निम्नलिखित में कौन सा एम्पीयर 1 ओम का सही चित्रण है? तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ये फिर से एक परिपथ में विद्युत शक्ति का सही वर्णन करता, बताइए विद्युत शक्ति का सही वर्णन कौन सा करता एक है? नंबर पहला वाला बिल्कुल फिर ठीक अभी है, आए बिल्कुल ठीक है, V इंटू I ठीक है, ध्यान में रखेंगे ठीक है। जहां पे V क्या होता है तो विभवांतर होता है, क्या होता है विभवांतर होता है ठीक है। I क्या होता है तो I बराबर विद्युत धारा होता है ठीक है। अब P बराबर क्या होगा पावर होगा ठीक है, मतलब पावर बराबर ठीक है V इंटू क्या होगा I ठीक है, ध्यान में रखेंगे ठीक है। चलिए P मतलब पावर, V मतलब क्या होगा विभव या विभवांतर ठीक है, और उसके बाद I का मतलब क्या होगा विद्युत धारा होगा ठीक है, ध्यान में रखेंगे ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस यात्रा को परिवर्तन के प्रतिरोध के रूप में वर्णित किया गया है, बताइए किसको किया परिवर्तन के प्रतिरोध के रूप में वर्णन? बिल्कुल क्या बोलते हैं जड़ता ठीक है, जड़ता ठीक है। निम्नलिखित में से किस यात्रा को परिवर्तन के प्रतिरोध के रूप में वर्णित किया गया था? महात्मा जड़ता ना ठीक है, सर, वही सर जड़ा तो गलत का पढ़ नियम हुआ लिए, ना, गलती वही जड़ता हुआ, इनर्शिया पढ़ लिखा लिए है। क्या? निम्नलिखित यात्रा में से यात्रा कर किस रहे हैं आप आ रहे सॉरी 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 निम्नलिखित में से किस मात्रा को परिवर्तन के प्रतिरोध के रूप में वर्णित किया गया है? जड़ता ठीक है, ध्यान में रखेंगे जड़ता ठीक है। चलिए न्यूटन के गति के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रथम गति को नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, सही है बिल्कुल ठीक है। बात करेंगे तीसरे नियम का तात्पर्य कारण कारण प्रभाव संबंध से है। बल हमेशा युग्मे में होता है जो बराबर और विपरीत होता है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के उत्तानुपाती होती है, तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट है? पहला वाला तो सही है, और बताइए हाँ इसमें से कौन सा सर, स्टेटमेंट तीसरा सही भी है? सही है, तीसरा भी पहला सही है, और तीसरा, पहला तीसरा पहला और सही है ठीक है, पहला और तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्या क्या सही है? तो प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं 100%। बल हमेशा युग्मे में होता है और बराबर और विपरीत होता है ठीक है, ये भी सही है। बाकी तीसरे नियम का तात्पर्य कारण प्रभाव संबंध से गलत है ठीक है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होती, ये भी कथन गलत है ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा ठीक है, ध्यान में रखिएगा ठीक है। चलिए इसमें बल हमेशा शायद स्थिर अवस्था में होता है ना, कहाँ गया इसमें समानुपाती कुछ होता है कुछ वहां कुछ पे, इसलिए गलती हो गया वो। इसका, हाँ हाँ समानुपाती ठीक, होता अच्छा है। हाँ समानुपाती होता है, हाँ ठीक। आगे चलेंगे। एक क्षेत्र रक्षक कैच पकड़ने के दौरान चलती हुई गेंद से अपने हाथों को धीरे धीरे घिसता, ऐसा क्यों घिसता है? ठीक है देखेंगे। वेग को कम करने के बदले प्रभाव को कम करने के लिए समय अंतराल बढ़ाना, एक प्रभाव को कम करने के लिए त्वरण को बढ़ाना, वेग बढ़ाने के लिए समय अंतराल को कम करना, और बदले में प्रभाव को कम करना या फिर अधिक दबाव डालना, बताइए क्या सही लग रहा है ए इसका? नंबर सर, एक ए सही नंबर, है, एक कम करने और नंबर, बदले में प्रभाव को एक कम नंबर करने के ठीक है, लिए क्या समय होता अंतराल है? बढ़ाना। बिल्कुल, जी वेग को कम करने के लिए बदले में प्रभाव को कम करने के लिए समय अंतराल बढ़ाना, क्योंकि अगर सडन अगर कैच करेगा तो पता चला हाथ में चोट भी लगा और क्या होगा तो कैच छूटने का भी मतलब क्या होगा डर होगा ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए क्या कहता है वेग को कम करने के लिए बदले प्रभाव को कम करने के लिए क्या कहता है समय अंतराल को बढ़ाना ठीक है, इसीलिए मतलब पीछे हाथ घिसता कैच लेके पीछे करता ठीक है। चलिए ऊंची कूद वाली एथलेटिक्स एथलेटिक स्पर्धा में एथलीटों को या तो गद्दीदार बिस्तर पर या फिर रेत पे गिराया जाता है, क्यों किया जाता है ऐसा? देखेंगे, एक गति के परिवर्तन की दर को कम करता है, इसके गिरने का प्रभाव बढ़ जाता है, ऐसा करने से अधिक दबाव पड़ता है या फिर इससे बल बढ़ता है, बताइए कौन सा सही है? परिवर्तन, गति के गति के परिवर्तन की दर गति को के परिवर्तन दर कम को करता कम करता है ठीक है, ध्यान रखें बहुत है, जिसको सुंदर। चोट नहीं लगेगी। एक बच्चा खिलौना कार को जमीन के समानांतर खींचता है, बच्चे द्वारा लगाए गए बल की दिशा और कार का विस्थापन समान है, तब क्या होगा? किया गया कार्य धनात्मक हो जाएगा, किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाएगा, कोई काम हुआ ही नहीं, या फिर किया गया शुद्ध कार्य द्रव्यमान और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा, बताइए क्या होगा? डी नंबर सर, डी वाला डी होगा, नंबर, किया किया गया शुद्ध गया कार्य कार्य क्या द्रव्यमान होगा विस्थापन। धनात्मक होगा ठीक है, क्या होगा? किया गया कार्य क्या होगा धनात्मक होगा, ऊपर भी तो पढ़े हैं सेम क्वेश्चन। एक बच्चा खिलौने कार को जमीन के समानांतर खींचता है, तो बच्चा द्वारा लगाया गया बल की दिशा और कार विस्थापन समय, तो ऐसे में किया गया कार्य क्या होगा धनात्मक होगा ठीक है, क्योंकि कार्य हुआ है ऊपर भी था। एक तीर को धनुष पर लंबी लंबाई का सॉरी एक तीर को धनुष पर लंबी लंबाई का खींचा जाता है, धनुष में संचित ऊर्जा किस तरह की ऊर्जा होगी? प्रत्यास्था ऊर्जा होगी, रबर ऊर्जा होगी, गतिज होगी या फिर स्थितिज ऊर्जा होगी, ये बताइए कौन सा सही है? स्थिति ये ऊर्जा बहुत सुंदर, क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, कौन सा ऊर्जा हो जाएगा?
स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। एक आवृत्ति की ध्वनि को, ठीक है, स्वर कहा जाता है, ठीक है, उसका अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाले ध्वनि को स्वर, इसको भी स्वर, सॉरी, एक आवृत्ति की ध्वनि को नोट स्वर कहा जाता है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण का उत्पन्न होने वाली ध्वनि को स्वर मतलब टोन कहते हैं। बताए कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई क्योंकि सही जब नहीं है। ऊपर वाला में टोन जाएगा, नीचे वाला में नोट जाएगा, शायद यही हाँ गलती है, ठीक है। जी 44 का जी लिया है क्या? डी लिया है, ठीक है। एक आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहते हैं, एक आवृत्ति की ध्वनि को स्वर स्वर कहते हैं, अतः एक एक आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है? एक आवृत्ति की ध्वनि को, एक मिनट, गलत लिख दिया है क्या? एक आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहते हैं, अतः कथन एक गलत है। एक ध्वनि जो कई आवृत्तियों का मिश्रण के कारण उत्पन्न होती है स्वर कहलाती है, ठीक है। मतलब मैं अच्छा, समझ यहाँ पे पाऊँ। मतलब मिस्टेक कर दिया, एक मिनट पढ़ता हूँ सोल्यूशन। एक आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहते हैं, अतः कथन एक गलत है। एक ध्वनि जो कई आवृत्तियों के मिश्रण के कारण उत्पन्न होती है स्वर कहलाती है, लेकिन कथन दो गलत है, क्योंकि एक और दो दोनों गलत है, इसीलिए विकल्प डी सही है। मतलब यहाँ पे लगता है नोट जो है ना टोन में जाएगा, टोन जो है ना इधर जाएगा, ये उल्टा सीधा कर दिया है, ठीक है। सर इसमें भी तभी तो हम सोल्यूशन, कहते हैं, हम जो बोलते हैं उसको टोन कहते हैं, मतलब एक लोग जो बोलते हैं तब टोन कहते हैं ना। बिल्कुल 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 ठीक है। ये टोन जाएगा इधर, ठीक है, ये जो आएगा नोट में आएगा, ठीक है। ये गलत कर दिया, दोनों ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। ये इंग्लिश का केवल फर्क है, ठीक है। मतलब यहाँ पे टोन ऊपर में जाएगा और नोट नीचे आएगा, ठीक है। नहीं बोलते नोट कर लो, याद नहीं रहेगा, डेट मीन्स बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। समतल दर्पण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? बनी छवि पार्श्व उल्टी होती है, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और सीधा होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि उसके वस्तु उसके सामने होती है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बताया जा रहा समतल दर्पण के बी संबंध में। नंबर, ये वाला गलत होगा, बी नंबर। वास्तविक और नहीं प्रतिबिंब होगा हमेशा वास्तविक और सीधा जो होता है, ये गलत है, ठीक है। बाकी बनी छवि बाकी सही पार्श्व है। उल्टी होती, क्योंकि आप दर्पण के सामने खड़ा हो तो आप लेफ्ट हाथ उठाएंगे तो उसमें दिखेगा राइट हैंड उठा रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी कि उसके सामने हाँ होती है, ये भी उसमें सही है। थोड़ी बाकी सही। प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और सीधा होता है, ये गलत है, ठीक है। लकड़ी का कॉर्क तैरता है जबकि लोहे का कील पानी के सतह पर रखने पर डूब जाती है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कॉर्क का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, कील का घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक होता है, कॉर्क पर पानी का, ठीक है, उत्क्षेपण कॉर्क के भार से अधिक होता है, या फिर लोहे की कील पर पानी का उत्प्रेषण कील के भार का अधिक होता है। एक दो सही है, दो तीन चार सही है, एक दो तीन सही है, या फिर तीन और चार सही है, बताइए कौन सा सही है? तीन एक और दो, एक एक और दो दो तीन सही है, एक दो तीन भी सही तीन है, ठीक है। तीन भी सही है, कॉर्क मतलब कॉर्क का घनत्व तो पानी पर। के घनत्व से कम होता है, बिल्कुल ठीक है, तब तो तैरता है ना, ठीक है। उसके बाद कील का घनत्व तो पानी के घनत्व से मतलब अधिक होता है, क्योंकि इसलिए क्या डूब ना, जाता है, ठीक है। यही चीज कॉर्क कॉर्क पर पानी का उत्प्रेषण कॉर्क के भार से अधिक होता है, कॉर्क पर पानी का उत्क्षेपण जो होता है कॉर्क के भार से अधिक होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसलिए तीनों के तीनों, एक दो तीन स्टेटमेंट सही है। छत के पंखे और साइकिल के हब और, ठीक है, एक्सल बॉल बेयरिंग का उपयोग करने से उत्पादन करता है, क्या होता है? बताए किस प्रकार का घर्षण होता है? पता ही आसान क्वेश्चन है, रोलिंग घर्षण होता है, तब रोलिंग बिल्कुल ठीक है। तब तो रोलिंग घर्षण की वजह से बॉल बैरिंग लगाया जाता है ना, जो कि मतलब साइकिल मतलब तेज चलती है, ठीक है। और साइकिल घर्षण में घर्षण अगर ज्यादा अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? तो साइकिल आपका चलाने में आपको ज्यादा ऊर्जा की मतलब आवश्यकता होगी। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? बॉल बैरिंग रिपेयरिंग करवाते हैं, उसमें क्या लगाते हैं? ग्रीस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ग्रीस लगाते हैं ताकि घर्षण कम हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक बोल्ट बराबर 1 जूल बटे कूलाम, 1 जूल बराबर 1 बोल्ट गुने 1 कूलाम, या फिर 1 कूलाम बराबर 1 जूल गुने 1 बोल्ट, या फिर ए और बी दोनों सही है, बताइए जरा। और एक बी नंबर दोनों फिर सही सही है है, एक सर, नंबर दोनों बी सही भी सही है, ठीक है, बी दोनों भी सही है, ठीक है। देखिए इसी से तो दोनों। फार्मूला ही तो बन जाएगा ना, हाँ सर, गुना एक हो बोल्ट जाएगा ना, बराबर, ठीक है हाँ ठीक है। तो हाँ ठीक है, वो तो ये भी गुलाम और बोल्ट को मल्टीप्लाई सही कीजिएगा तो है, जूल नहीं निकल जाएगा, ठीक है, जुड़ ये नहीं दोनों निकल को जाएगा।      दोनों जाएगा।││
टोन, अगर तो बिल्कुल समझ एक ना सही है जाए तो वह भी आपका क्या हो जाएगा, समझा सही हो जाएगा, ठीक जी बिल्कुल। चलिए, दी गई सामग्री, मतलब दी गई सामग्री के एक तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का प्रतिरोध 8 ओम है, तो उसी सामग्री के एक अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई, ठीक है, L/4 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का 2A है, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, बताइए इसे तुक्का मारना तो मार सकते हैं, ठीक है, टू एम सर बिल्कुल ठीक है। इसका क्या है, आठ 1 ओम टू दिया हुआ एम है, क्या दिया हुआ, 1 ओम वन दिया है, ठीक है। चलिए, कमरे के तापमान पर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ठीक है, संयोजकता बैंड आंशिक रूप से खाली और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ है, संयोजकता बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ है, या फिर संयोजकता बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है और चालन बैंड पूरी तरह से खाली है, क्या होता है कमरे के तापमान पर सेमीकंडक्टर में, बताया जा रहा क्या होता है, सर ऐसे जानते नहीं लेकिन बी नंबर लग रहा है बिल्कुल सर आंशिक ये रूप सही है, से ठीक है। जितना भी खाली। आप तुक्का मार रहे हैं ना, सारे आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में मत मारिएगा, ठीक है। संयोजकता बैंड आंशिक रूप से खाली और चालन बैंड आंशिक रूप से मतलब क्या होता है, भरा होता है, भरा ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 1/3 माइनस है, इसे याद रखें, ठीक है। उपकरण, उपकरण गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है, इसलिए जो भी सही रहे उसी पे ज्यादा दिमाग रहे, 50-50 तुक्का लीजिएगा, 100% तुक्का नहीं मारिएगा क्योंकि माइनस होने की संभावना अधिक है। उपकरण गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता था, विद्युत प्रवाह की उपस्थिति को पता लगाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए, या फिर विद्युत धारा की दिशा के लिए, बताइए क्या सही है इसमें, विद्युत धारा की दिशा तो लिखा दोनों ना सर, विद्युत धारा की दिशा बिल्कुल दो, ए दोनों और सी सही है, ठीक है, विद्युत प्रवाह की हाँ उपस्थिति का पता लगाने के लिए और विद्युत धारा की दिशा के लिए आपका गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखे, भूले नहीं, ठीक है। एक जनरेटर प्रवर्तित करता है, क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण में, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें परिवर्तित करता है, बताया जा रहा, को विद्युत बिल्कुल ऊर्जा विद्युत में, में, बिल्कुल। जनरेटर यांत्रिक क्या है कि यांत्रिक है, उसे बिजली निकलती है, तो यांत्रिक को विद्युत में क्या करते हैं, कन्वर्जन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मानव आंख में एक लेंस होता है जो अलग अलग दूरियों पे वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकल लंबाई को समायोजित कर सकता है, इस घटना को क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं इस घटना को, डायलिसिस, ऊर्जा अनुकूलन, दूरदृष्टता, या फिर सम स्थिति, बताइए क्या बोलते हैं इसको, अनुकूलन बिल्कुल वेरी अनुकूलन गुड, ठीक है, क्या बोलते हैं इस घटना को, अनुकूलन अनुकूलन बोलते हैं, बहुत सुंदर। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय सूर्यास्त घटना किसके कारण देखी जाती है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त घटना किसके कारण देखी जाती है, बताइए, वायुमंडल अपवर्तन अपरिवर्तन के कारण, होता बिल्कुल ठीक है, क्या होता है, या है मंडलीय अपवर्तन की वजह से, अगर पूछेंगे भारत में सबसे पहला सूर्योदय कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले सूर्योदय साक्षर की बात करेंगे तो कहाँ पे होता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे होता अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश में, प्रदेश ठीक है, और सबसे देरी से सूर्यास्त की बात करें तो वो कहाँ पे होता गुजरात है, कच्छ केरन गुजरात, गुजरात के कच्छ केरन में गुजरात होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये घटना जो आप लोग जो देखते हैं, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त किसके वजह से होता है, तो वायुमंडलीय, ठीक है, किसके वजह से होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से, ठीक है, इसको आप क्या करें, याद रखें, ठीक है। चलिए, सार्वजनिक परिवहन के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन समृद्ध, ठीक है, CNG या फिर HCNG का उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। HCNG के उपयोग का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का उन्मूलन है, ठीक है, HCNG या फिर CNG की तुलना में ईंधन अत्यधिक महंगा होता है, ठीक है, केवल एक सही है, केवल दो कथन सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर न तो एक सही है न तो दो सही है, बताइए कौन सा सही लग रहा है इसमें, दोनों सही है, दोनों सही है सर, दोनों सही बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 55 का आंसर बी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 55 का आंसर बी लिया है, ठीक है, मतलब HCNG का उपयोग मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का उन्मूलन हाइड्रोजन है, ठीक है, सीएनजी जबकि HCNG CNG की तुलना में ईंधन को अत्यधिक महंगा बनाता है, ठीक है, ये सही है, ध्यान में रखेंगे, इसका उपयोग मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन का उन्मूलन नहीं है, तो फिर किसका उत्सर्जन है, ध्यान में कार्बन रखेंगे, ये उन देखिए करता तो है, यहाँ पे बोल रहा है सोल्यूशन बोल रहा है, प्रारंभिक CNG की तुलना में HCNG का इस्तेमाल कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को 70% कम कर सकता है, लेकिन कथन एक गलत है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन को समाप्त नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पे उन्मूलन नहीं, लिखा यहाँ हुआ मुख्य है, नहीं होना चाहिए, मुख्य नहीं होना बिल्कुल ठीक चाहिए। है,
नहीं, सबसे पहली बात उन्मूलन भी तो नहीं होना चाहिए ना, उन्मूलन लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। उन्मूलन कहने का मतलब पूरी तरीके से समाप्त कर देना, जबकि कितना परसेंट कर रहा है तो 70% ही कर रहा है। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाना 100%, ठीक है। ये 70% ही कर रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद महंगा भी है, इसको भी ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। पक्षदर्शी, दर्पण उत्तल, सतर्कता दर्पण उत्तल, सर्च लाइट उत्तल, या फिर सौर ताप अवतल, बताइए कौन सुमेलित नहीं है, बताइए सर्च कौन सा लाइट सुमेलित नहीं अवतल है। होगा, सर्च लाइट अवतल होगा, और बिल्कुल केवल तीन गलत गलत है। सर्च लाइट में क्या होगा, होगा, तो क्या होगा इसमें, क्या होता है, तो आपका अवतल होता है, ठीक है, उत्तल नहीं होता है, ठीक है। सतर्कता दर्पण उत्तल होता है, सौर ताप में अवतल का प्रयोग करते हैं, पक्षदर्शी दर्पण भी उत्तल का प्रयोग होता है, जिसमें आप लोग कहाँ पे अवतल लगाते हो, गाड़ी वगैरह में लगाते हैं, ताकि पीछे का चीजें देख सके, ठीक है। और इसमें उल्टा तस्वीर बनता है, इसलिए आप देखिएगा एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, ताकि आपका दर्पण में मतलब क्या दिखे, सही से दिखे, हाँ ठीक है, सीधा देखें। सीधा देखें। हवाई जहाज बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि ठीक है, काला प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, काला रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। हवाई जहाज में उड़ते समय कोई परिकीर्णन होता ही नहीं है, ठीक है, या फिर बात करेंगे इतनी ऊंचाई पे परिकीर्णन प्रमुख नहीं है, ठीक है। बताइए कौन सा रीजन है जिनको उनको बहुत डी सुना, वाला, डी इतनी इतनी ऊंचाई पे परिकीर्णन मुख्य नहीं, प्रमुख नहीं है, डी ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इतनी ऊंचाई पे परिकीर्णन वाला। प्रमुख नहीं है, इसलिए हवाई जहाज में बहुत ऊंचाई पे उड़ने वाले यात्रियों को आकाश का रंग मतलब कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है। दो अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, ध्यान रखें, दो अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटने के बाद गुरुत्वाकर्षण मुक्त अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, दोनों क्या होगा, एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, स्थिर हो जाए आएगा, उनके बीच समान दूरी पे तैरते रहेंगे, क्या बात, बताइए क्या सही लग रहा है इसमें, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से एक दूर दूसरे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, या नहीं एक दूसरे की ओर मतलब बढ़ेंगे, पास। ठीक है, ध्यान में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है तो दूर कैसे जाएगा, ठीक है, ठीक है। दो अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटने के बाद गुरुत्वाकर्षण मुक्त अंतरिक्ष में तैर रहे थे, निम्नलिखित में क्या होगा, एक दूसरे की ओर मतलब क्या होगा, बढ़ेंगे। इंद्रधनुष बनता है, कब बनता है इंद्रधनुष, ठीक है, परिकर्णन और अपवर्तन के कारण, आंतरिक प्रतिबिंब और फैलाव के कारण, केवल प्रतिबिंब या फिर विवर्तन और फैलाव के कारण, बताइए क्यों बनता है, प्रकीर्णन और आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन, फैलाव, आंतरिक प्रतिबिंब और मतलब क्या, फैलाव की वजह से, क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन और फैलाव की वजह से, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, बल का न्यूटन, पावर का कूलाम, कार्य का जूल, इलेक्ट्रिक चार्ज का एम्पियर, बताइए कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। पावर का दो और कूलम नहीं चार, होगा। दो और चार ये सही नहीं अच्छा है, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। कार्य ठीक का जूल सही है, बल का क्या है, ठीक है, बल का मतलब क्या है, न्यूटन, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन लिख दिया, बल का न्यूटन तो सही है, न्यूटन ठीक है, है, पावर बिल्कुल। का तो कार्य का क्या कैलोरी होगा, है, कार्य का क्या पावर होगा, का पार्ट होना चाहिए ना, जूल, पावर का पार्ट होना चाहिए, कूलाम नहीं होना चाहिए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक में लगा दिया, ठीक है, हाँ तो कौन सा वही, सही नहीं है, तो हाँ तो दो दो नहीं चार ठीक पूछ तो रहा है, है ना, नहीं अच्छा तो है नहीं है, सर, ठीक, तो पावर का क्या होगा, पावर का क्या होगा, बाट बिल्कुल, पावर का पावर का बात वाट, करेंगे, वाट नहीं, वाट वाट होगा, ठीक है, नहीं। ध्यान में वाट, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक क्या चार्ज का होगा, तो अवेश होना, कूलम अवेश होगा, कूलम बिल्कुल ठीक है, होगा। इसका क्या होगा, कूलम होगा, क्या होगा, कूलम होगा, ठीक है, ध्यान, कूलम होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध प्रसिद्ध हुंजेस हुंजेस फ्रेशनल सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है, कृष्ण बताइए प्रसिद्ध तेल का हुंजेस प्रकाश फ्रेशनल सिद्धांत के किससे, रंग की प्रकृति से, प्रकाश की तरंग प्रकाश के प्रकृति से किससे संबंधित है, प्रकाश की तरंग प्रकृति से की क्या है, तरंग संबंधित है, प्रकृति ठीक है, से, ध्यान में, प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित है, हाई गेन यदि किसी सर, गैस हाई की, गेन से सर, वो हाई गेन से, देखिए हाई गेन से तो ऐसे ही पता चल गया कि तरंग दिया था ना, प्रकाश का तरंग प्रवृत्ति को दिया था ना, हाई गेंस, वो हुईजेंस लिख दिया हम ना, इसलिए हो पकड़ में नहीं आया उसका इंग्लिश, देखिए ह्यूजेंस ना, लिखा हाईगेंस हुआ है, टेंसर दिया हुआ है जी, तो उससे पकड़ा गया, वेव नेचर ऑफ लेंथ, इसलिए हाँ मुझे भी समझ ये में नहीं बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है, सही है, हाईगेंस ही है, ठीक आया। है। हाँ आपके लिए हाई यदि किसी गेंस, गैस का दबाव स्थिर रहता है तो गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है, ठीक है। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का वर्णन करता है, बताए, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, आदर्श गैस, या फिर एवोगाड्रो का नियम, बताइए क्या सही लग रहा है। चार्ल्स नियम, चार्ल्स बिल्कुल चार्ल्स का नियम सर, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, यदि किसी गैस का दबाव स्थिर रहता है तो गैस का आयतन उसके आयतन, पूर्ण
तापमान के समानुपाती होता है। क्या होता है, यदि किसी गैस का दबाव दाब स्थिर रहता है तो गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है। किसका नियम है, चार्ल्स का नियम है। ठीक है, भारी जल के बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। ठीक है, भारी जल के बारे में कुछ कथन जो है आपके नीचे दिए गए हैं। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंडक के रूप में किया जाता है। भारी जल सामान्य जल की अपेक्षा अधिक संबद्ध होता है, या फिर भारी जल साधारण जल की अपेक्षा अधिक प्रभावी विलायक है। एक दो सही है, एक दो तीन सही है, दो तीन सही है, फिर एक और तीन सही है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा एक और दो सर, है। एक एक आ दो क्या है, सही है। ठीक है, सबसे पहला तो आसान था, नाभिकीय रिएक्टर मंडक के रूप में होता है। भारी जल दो सामान्य जल की अपेक्षा में अत्यधिक संबद्ध होता है। ठीक है, अधिक संबद्ध तो होता है, ये भी सही है। भारी जल साधारण जल की अपेक्षा अधिक प्रभावी विलायक है, ये गलत है। ठीक है, एक आ दो सब प्रभावी विलायक नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बाकी एक आ दो स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलिए, बस में खड़ा व्यक्ति खड़ा है और बस अचानक चलने लगती है। व्यक्ति पीछे की ओर गिरने की प्रवृत्ति किसके कारण है? जड़त्व के कारण व्यक्ति का शेष शरीर गति का विरोध करता है, व्यक्ति को गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खींचा जाता है, व्यक्ति का त्वरण उसके पीछे की ओर ले जाता है, व्यक्ति विराम पर है और बस भी विराम पर है। बताइए क्या सही लग रहा है। ए बिल्कुल, जड़त्व के कारण जड़ा व्यक्ति का शेष शरीर गति का विरोध करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका ये तो क्या हम है, लोग सही है। जड़त्व ठीक का नियम है, में पढ़ते भी हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब एक मोटर कार तेज गति से तेज मोड़ देती है तो व्यक्ति जाता पीछे की ओर, आगे की ओर, साइड में, या फिर ऊपर की ओर, साइड बताइए। में क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, बिल्कुल साइड बिल्कुल, में ठीक है, साइड की ओर, क्योंकि उसको साइड की ओर पूछा थोड़ा सा मतलब देखिएगा ना, झुका झुक लेता है। ठीक है, जाए। जैसे आप मोड़ लेंगे ना तो देखिएगा साइकिल का थोड़ा सा मतलब हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा सा मतलब क्या करते झुका हैं, तो देते थोड़ा हैं, सा उसको तिरछा कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा मतलब क्या करते झुका हैं, कर तो थोड़ा सा मतलब क्या करते हैं, थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आप क्या करते हैं, गिरने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए, शरीर का वजन किसके उत्पादन के बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण का, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान के कारण त्वरण, बल और द्रव्यमान, या फिर द्रव्यमान और वेग के कारण, बताइए किसके वजह होता है? गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान और त्वरण, और द्रव्यमान। बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण, नहीं नहीं, त्वरण और गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान द्रव्यमान के कारण त्वरण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान के कारण त्वरण जो होता है, शरीर का वजन किसके उत्पाद के बराबर होता है? तो गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान के, ठीक है, कारण मतलब त्वरण, इसी के बराबर जी होता है। सर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक देखिए है, आप जो आपका बता रही है ना, वो एफ बराबर एम ए हो गया, वो द्रव्यमान और त्वरण बता दी तो बल हो जाएगा, वजन पूछ रहा है, ठीक है, वेट बिल्कुल। पूछ अगर रहा मान लीजिए, अगर आपका वजन जितना अधिक है, आप समझिए ग्रेविटी का है। फोर्स भी उतना ही काम कर रहा है। ठीक है, हल्का उतना ही सामान पे काम कम कर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो ज्यादा वाला, जो वेटेड सामान होगा, बड़ा होगा, उस पर ज्यादा ज्यादा होगा। ठीक है, एक विस्थापन शून्य है तो पिंड का किया गया कार्य क्या होगा? एक विस्थापन शून्य है तो शून्य पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य शून्य होगा, होगा, अनंत होगा, सकारात्मक शून्य होगा, या फिर ऋणात्मक होगा, बताइए क्या होगा। हो जाएगा। अपन विस्थापन शून्य बिल्कुल, होगा, ठीक है, शून्य विस्थापन शून्य है तो मतलब कार्य भी मतलब क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित होगा। कथनों पे आपको विचार करने हैं। ठीक है, गतित ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी पिंड में उसकी गति के कारण होती है। गतित ऊर्जा बराबर क्या होगा, दोनों गलत, यांत्रिक ऊर्जा दोनों माइनस उल्टा कर स्थितिज दिया, ऊर्जा, बताइए दोनों केवल उल्टा कर सही दिया क्या गलत है। है। तो अब केवल तीसरा तीन सही है, गलत बहुत है बिल्कुल, केवल जी, तीन जो है क्या है, सही है, ध्यान में इसको रखना है। इसको केवल तीन उल्टा कर स्टेटमेंट दिया क्या है, आपका सही है। उल्टा दे गतिज ऊर्जा वह दिया ऊर्जा जो किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण होती है, गलत है। स्थितिज है, ऊर्जा वह इसको ऊर्जा जो गलती किसी पिंड करना में उसकी गति के कारण, गतिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, गति के कारण होता है। ठीक है, है। हाँ, स्थितिज ऊर्जा किसके स्थिति कारण का होता है, उसके स्थिति पिंड में बताना स्थिति होता के है। कारण, मतलब ये इधर जाएगा, ये अभी इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान तो में पढ़े ना रखेंगे। सर, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर बिल्कुल गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऊपर पढ़े थे बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो तीसरा ऐसे तो सही गतिज होगा। ऊर्जा बराबर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा होगा, या फिर यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस होगा। ऐसे भी स्थितिज आप निकाल सकते हैं मैथमेटिकल रूल्स जी, का प्रयोग करके। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। पानी से भरे कांच के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, निम्नलिखित में से कौन सा घटना उपरोक्त के लिए जिम्मेदार है? कौन सा घटना जिम्मेदार है, बताइए। अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन सर, बिल्कुल ठीक है, अपवर्तन। किसके वजह से अपवर्तन? इसी घटना के वजह से ना, जल में जो छर जो रखा रहा था, सिक्का, उठा टेढ़ी मुराई मुड़ा देती हुआ है, दिखाई टेढ़ा देता दिखा है, दे, ठीक है, और मतलब सिक्का उठा सिक्का हुआ थोड़ा दिखाई सा देता उठा है हुआ मतलब प्रतीत दिखाई देता है, यही कारण है ना। जी, ठीक है, और अपवर्तन यही बता रहे कारण हैं है ना, जैसे पानी में जी। जब आप पैर डालते हैं तो आपको लगता है सर ये तो कम गहरा, लेकिन डालते हैं तो पता चलता है सडन नीचे की ओर चले गए। ठीक हाँ है, जी, ये बिल्कुल भी ठीक है, तो पॉसिबल इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, गहराई का आगे सवाल है चलेंगे, सर। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है,
अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की शक्ति है, ठीक है, उत्तल लेंस में ऋणात्मक शक्ति होती है, बताइए कौन सा गलत है, वाला बताइए। ही बी नंबर गलत है, सर सी गलत है, बाकी सब सही है। गलत है, बिल्कुल, सत्तर नहीं का बात ना, करेंगे तो, सत्तर के बात बी करेंगे, ही है, सी ही है, सी नंबर सर, बी और डी अवतल लेंस दोनों का लिया जो है, ठीक है, दी दोनों डी गलत ना दोनों है, उल्टा होगा, दी दोनों दोनों वहां धनात्मक हो या ऋणात्मक होगा। गलत है। अवतल लेंस वाला क्या होता है, पॉजिटिव ना, अवतल लेंस पॉजिटिव अवतल होता है, लेंस नेगेटिव बात होता करेंगे, है, अवतल लेंस निगेटिव, अवतल निगेटिव होता लेंस, है। अवतल लेंस की क्षमता अच्छा धनात्मक होती है, ठीक है, बिल्कुल, अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक, इसमें कौन सा लिया, इसमें लिखा हुआ है बी और डी दोनों गलत है, लेंस की शक्ति प्रकाश कौन सा के कर दो, अपवर्तक शक्ति को मोड़ने की क्षमता, एक उत्तल लेंस के लिए अभिसारी क्षमता और शक्ति, अभिसारी क्षमता को शक्ति द्वारा ही अवतल लेंस में अपसारी क्षमता द्वारा परिभाषित किया जाता है, एक लेंस की शक्ति को मीटर में इसकी फोकल लंबाई के उत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसे डायोप्टर में मापा जाता है, अवतल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है जबकि उत्तल लेंस की धनात्मक सकारात्मक होती है, ठीक है, पॉजिटिव ध्यान रखें, जी, उत्तल तो लेंस का मतलब क्या होता बी और है, डी सर सकारात्मक हो रहा, ठीक है, बी और डी गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा कर देखो, दिया, क्या कर दिया है, ये हम लोग को आपका हो ज्यादा जाएगा ज्यादा ऋणात्मक, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा धनात्मक, ठीक है, धनात्मक, उत्तर वाला पॉजिटिव हम जाएगा, लोग तो ये जैसे मतलब सर निगेटिव जाएगा, ठीक अभी है, जैसे होता है ना कि सभी लोगों को ना दूर दृष्टि दोष होता है, सॉरी निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो अवतल लेंस लगता है और उसका वो निगेटिव होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज। जी, तो अच्छा अब तब बोलते हैं कितना पावर है, नहीं बोला +2 है -2 हाँ ऐसा बोलते हैं ना, जी सर, ठीक है, डायोप्टर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है, ठीक है, बंद विक्षेपण, इंद्रधनुष की स्थिति सदैव सूर्य की ओर होती है, नहीं इंद्रधनुष समानतः वर्षा की फुहारों के बाद बनते हैं, बताइए जी, कौन एक सा सही और है, एक तीन, एक और एक और तीन तीन, सही है, एक और एक और तीन सही तीन है, क्योंकि ये जो बनेगा ना हमेशा सूर्य का सूर्य मतलब के विपरीत विपरीत बनेगा, बनेगा, क्या बनेगा, विपरीत सूर्य की मतलब थोड़ा विपरीत बनेगा, ठीक है, और ये तो सही, वर्षा के बाद ही मतलब आपको इंद्रधनुष आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान क्योंकि वर्षा रखेंगे, का बूंद भी चलिए, तो लोग निम्नलिखित में से बरसाते कौन ही सा होते गलत है ये बताइए, प्रतिरोध तार की सामग्री पर निर्भर करता है, कम प्रतिरोध वाला पदार्थ अच्छा चालक होता है, शून्य प्रतिरोध वाला पदार्थ एक खराब चालक होता है, या फिर उच्च प्रतिरोध वाली वस्तु के इंसुलेटर है, बताइए क्या सही है इसमें, हैं। तीन नंबर, सी नंबर गलत गलत, कौन है, गलत कौन है, गलत उतारना, सी गलत नंबर गलत कुछ है, तीन गलत बताना है, नंबर, ठीक है, तीन शून्य नंबर प्रतिरोध प्रतिरोध वाला वाला, एक खराब चालक बिल्कुल, ठीक होता है, ये है, गलत होना चाहिए, अच्छा शून्य चालक होगा प्रतिरोध वो, वाला एक खराब चालक होता है, खराब, ये गलत बात है, ये अच्छा चालक होता है, ठीक है, अच्छा चालक, बाकी कंडक्टर हो प्रतिरोध जाएगा, तारे की, बिल्कुल, प्रतिरोध तारे की सामग्री पर निर्भर करता है, बिल्कुल, कम प्रतिरोध वाला बिल्कुल पदार्थ का अच्छा चालक होता है, ये भी सही है, उच्च प्रतिरोध वाली वस्तु एक इंसुलेटर है, ठीक है, ध्यान रखें, ये भी सही है, ठीक है, चलिए, ऑप्शन बी मतलब है सर, शून्य प्रतिरोध आ रहा वाला था पदार्थ तीन एक नंबर खराब चालक देखिए, नहीं, एक अच्छा चालक और सुपर कंडक्टर होता है, ठीक है, आप जी चलेंगे, सर, विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है, सामान्य डिवाइस के साथ जुड़ा होता है, समानांतर में, श्रृंखला में, श्रृंखला और समानांतर दोनों में फिर उदासीन होता है, बताइए, समानांतर, दोनों में समानांतर में, श्रृंखला श्रृंखला में में, तो होता है, श्रृंखला, समानांतर दोनों श्रृंखला में होता है, फ्यूज घर वाला रहता है का समानांतर में, हाँ उपयोग, ठीक है, विद्युत बिल्कुल, ठीक है, परिपथ घर में वाला तो जो होता है ना श्रृंखला वो होता समानांतर में होता है, किसमें होता है, श्रृंखला में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसमें होता है, विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है, यह हमेशा डिवाइस के साथ में जुड़ा होता है, तो श्रृंखला में होता है, ठीक है, नहीं मतलब सर, सीरीज फ्यूज में तो होता है, जहां भी लगेगा वो सीरीज में ही लगेगा, उसको समांतर में लगाएंगे सारा खराब हो जाएगा, उड़ घर जाएगा के वो, तो उपकरण मैंने को, भी तो घर के श्रृंखला ही तो उपकरण बोला, को, घर का उपकरण जो होता है ना वो होता है समांतर में, तो मैंने तो श्रृंखला ही बताया ना, देखिए मैंने घर में जो समानांतर कहाँ आपका बता रहा लगता हूँ, है जो वायरिंग जो पंखा, होता है सर, वो तो दोनों में होता है ना, तो वायरिंग वो जो तो होता पैरेलल है वो, चलता है, ठीक है, वो समानांतर श्रेणी वो सही है, लेकिन ये श्रृंखला, फ्यूज श्रृंखला में, ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति सूर्य को निर्देशित एक लेंस रखता है, एक व्यक्ति सूर्य की ओर निर्देशित एक लेंस रखता है और इसके प्रकाश को कागज की एक शीट पर केंद्रित करता है, कागज जलने लगता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेंस व्यक्ति के पास था, अवतल था, उत्तल था, उत्तल अवतल तलीय था, या फिर अवतल उत्तल दोनों था, बताइए क्या हो जाएगा, उत्तल उत्तल, 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 उत्तल अवतल नहीं, क्या था, उत्तल था, ठीक है, ध्यान में, उत्तल लेंस था उसके पास, ठीक है, हम लोग बचपन में बहुत करते थे लेकिन कभी सफलता नहीं मिली, बहुत ही लो क्वालिटी का लेंस हम लोग के बॉक्स में देता था, देखते येलो हो जाता था बस, हुएगा सही करता उसको बहुत कोशिश करते थे करने का लेकिन कभी जला नहीं, ठीक है, अब देखेंगे लीगो इंडिया का मतलब अच्छा क्वालिटी का नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, हाँ लेकिन येलो कर देता था, ये चीज तो था, येलो कर देता था, ठीक है,
लीगो इंडिया को महाराष्ट्र के, ठीक है, अच्छा भी नहीं देता था, नहीं तो हम लोग उसका प्रयोग करके कहीं पे भी आग लगा देते, ठीक है। लीगो इंडिया को, लीगो इंडिया का महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित करने का प्रस्ताव है, निम्नलिखित में से किस तरंग का पता लगाएगा, ठीक है, बताइए। डार्क मैटर तरंग ये हुआ है, डार्क करंट में क्वेश्चन हुआ है, या फिर मैटर है, गुरुत्वाकर्षण तरंग? गुरुत्वाकर्षण सर, नहीं, डार्क गुरुत्वाकर्षण, मैटर, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण करंट का क्वेश्चन है। डार्क मैटर तो अभी तक मिला ही नहीं है। इसको तो कोई पता ही नहीं लगा सकता, इसका कौन खोजा नहीं खोजा इसके बारे में कोई हाँ जानकारी नहीं, डार्क मैटर के बारे में, ठीक है। करंट वाला के ये भी पढ़ना था, लेकिन नहीं, इसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, ठीक है। चलिए, नहीं। नेप्टलीन, ये कल्पना है डार्क मैटर, ठीक है। नेप्टलीन की गोली समय के साथ बिना कोई मतलब ठोस छोरे मतलब गायब हो जाती है, वो देखिएगा, वो रखा है बैग वगैरह में जो रखा जाता है, ठीक है, स्मेल को जी खत्म सर, जी करने के सर, लिए, फिनाइल का गोली जिसको देखिएगा, बोलते हैं, हाँ, फिनाइल अपने आप फिनाइल मतलब का, गायब हो जाता है, ठीक है, पता ही नहीं चलता है, उद्घाटन तो के उसका कुछ कारण, अब्सेस भी नहीं होता, ठीक है। किस वजह से मतलब होता है, किस उद्घाटन वजह के से होता है? कारण, बिल्कुल, जो उद्घाटन कपूर जो होता है ना, जिस हिसाब से काम करता है कपूर, जो काम कर रहा है, उद्घाटन ठोस में गैस का परिवर्तन वही होता है। केल्विन स्केल पे 25 सेंटीमीटर का 25 डिग्री सेल्सियस का मान बताए केल्विन पे, 298 जूलिया। प्लस 25 भाव से दो घंटा सौ में सर अंठानवे आएगा दशमलव लास्ट क्या हो में जाएगा, 1.5 वन होगा, ठीक है, फाइव जोड़ दीजिए, 273.15 में, ठीक है, 25 को जोड़ दीजिए, ठीक पच्चीस है, क्या जोड़ हो देंगे, जाएगा, दो सौ पाँच तिहत्तर तीन में। हाँ आठ, सर, एक ही को ऑप्शन है सर, 273 से ज्यादा, 1.5 कितना वाला, गलती जोड़ दिए क्या, 273 होता है कि 373 होता है, 273 होता है ना, 273 में 273 जोड़ते होता ही है ना है, तो इसको, दो 25 को, सौ ठीक तिहत्तर है, में जुटेगा, दो सौ हाँ, अंठानवे ही आएगा, पाँच, घटाएंगे इसमें, घटाएंगे ना, नहीं, जुड़ता है, तीन तिहत्तर है ना, में 7 2 9, 3 2 5, जुड़ता है, ठीक है, 273 में जुड़ेगा, जितना केल्विन बोलेगा ना, बात करेंगे ना, केल्विन स्केल पे 25 सेंटीमीटर का मान कितना, जितना होगा ना उसमें जोड़ते जाएंगे 273 में, ठीक है, वही होता है, ठीक है। 298 केल्विन या 298 अरे, पॉइंट वन इसका फाइव फार्मूला केल्विन का, इसका फार्मूला होता है सेल्सियस प्लस, ठीक है, सेल्सियस टू वाला ना सेवेंटी आंसर, थ्री टी बाय हाँ, फाइव टी माइनस जीरो इज बाय सौ इक्वल में टू, बराबर क्या होता है, के माइनस 73/100 हो हाँ, जाएगा, जुटेगा जाकर उसमें, केल्विन निकालने के लिए भी होता है, सी प्लस 273.15 बराबर के होता है, ठीक है, ध्यान में रखिए। चलिए, 78 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रत्नों पे विचार, भू परपट्टी से प्राप्त अयस्क हमेशा शुद्ध होते हैं, ठीक है, कभी नहीं होता, अयस्कों की समृद्धता को तीसरा अयस्क ड्रेसिंग के रूप में किया जाता है, बताइए क्या सही लग रहा है, खनिज सर, सभी अर्थ खनिज है, जबकि अयस्क, जबकि सभी सभी अयस्क खनिज है, जबकि सभी खनिज जो अयस्क नहीं है, ठीक है, 2 और 3 सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ भू परपट्टी से जो जी, हमको अयस्क जो मिलता है ना, हमेशा शुद्ध नहीं होता, ठीक है, उसका निष्कर्षण किया हेमेटाइट जाता है, जैसे लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से करते हैं, एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से एल्युमिनियम करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उसी तरह से वो हमेशा शुद्ध नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये पहला वाला गलत है, बाकी अयस्कों की सांद्रता को अयस्क ड्रेसिंग रूप में जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, सभी अयस्क खनिज है, जबकि सभी खनिज जो है अयस्क नहीं है, ठीक है, ये भी सही है, 2 और 3 सही है, ठीक है। चलिए, 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गैस के द्रव में कोलाइड का उदाहरण नहीं है, ठीक है, बताइए, बादल, स्मॉग, कोहरा, या फिर मिस्ट, गैस में द्रव कोलाइड का उदाहरण नहीं है, गैस में द्रव, बताइए, ग्रह गैस में द्रव किसका नहीं है, स्मॉक बिल्कुल ठीक है, स्मॉक, स्मॉक, स्मॉक किसमें है बताइए, का है वो, बिल्कुल, किसमें ठोस ठोस का, ठोस किसमें और ठोस गैस, का, गैस में ठोस गैस का, में ठोस का, बिल्कुल गैस में ठोस का एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है, स्मोक जो है गैस में ठोस का। चलिए आगे चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करने हैं, एरोसोल गैस में द्रव का कोलाइड है, ठीक है, द्रव में उपस्थित लेंस को फोम कहते हैं, जब मिल्क ऑफ मैगनीशिया सॉल का उदाहरण है, बताइए कौन सही है, मिल्क ऑफ गलत कौन मैगनीशिया सा, सॉल का उदाहरण है, तीन कौन गलत है, बताइए कौन सा गलत है, तो एरोसोल, तीन तीन नंबर ही गलत होना चाहिए, उपायुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, उपायुक्त में से दो कोई ही भी गलत नहीं गलत है, सही सही है, ठीक है, ध्यान, सभी सही है, ठीक है, एरोसोल गैस में द्रव का है। कोलाइड है, सही है, द्रव में उपस्थित गैस को फोम कहते हैं, ये भी सही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉल का एक उदाहरण, ये भी सही है, ठीक है, मतलब कौन गलत है, तो उपायुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा ये विषय रासायनिक परिवर्तन है, बताइए, कागज का जलना रासायनिक है, बर्फ का पिघलना रासायनिक है, फिर पानी का वाष्पीकरण रासायनिक है, या फिर टीन के डिब्बे को कुचलना रासायनिक है, बताइए, कागज कागज का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बार प्राप्त नहीं जला कर दिए सकते, तो पारा
फिर इसको आप कागज में, कागज का जलना रासायनिक मतलब इसलिए क्योंकि नहीं आप इसको एक बार पता। कागज को जला के फिर से कागज नहीं बता सक बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु प्रकृति में, ठीक है, द्विपरमाणुक है, मतलब ये द्विपरमाणुक सर नहीं है, गैस 82 नहीं है। गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है सर, 82 नंबर हाइड्रोजन सल्फाइड है। गलत पढ़ दिए, सॉरी हाइड्रोजन सॉरी, हम 83 पढ़ दिए। निम्नलिखित में से किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की आती है। ठीक है, बिल्कुल हाइड्रोजन सल्फाइड सही है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड को निकले के लिए कैसे लिखते हैं, H2S लिखते हैं क्या? जी H2S जी एच टू हाँ एस हाइड्रोजन सल्फाइड हाँ H2S। परमाणु कुंडल नहीं है नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन फोरस N2 को होगा, लिखते हैं, फास्फोरस N2 को लिखते नाइट्रोजन हैं, एन फास्फोरस ऐसे होगा द्विपरमाणु क्या? फास्फोरस हो जाएगा, तो फास्फोरस हो जाएगा। हाँ हाँ वही तो N लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं, O2 लिखते हैं, लेकिन फास्फोरस को कहाँ? फास्फोरस को तो आप P से ना, P4 लिखते P4 हैं। P4 होता है। आप P, हाँ लेकिन P2 नहीं होता है जहाँ तक हमको याद आ रहा है, इसमें C नंबर हो जाना चाहिए। सर की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा बंद हो गया। कॉल आ गया था, ठीक है, चलिए कहाँ पे थे हम लोग, कितने नंबर पे थे? अच्छा स्क्रीन सर ले लीजिए, स्क्रीन ले लीजिए सर, इसका स्क्रीन ले लें, नहीं दिख रहा इसका सर स्क्रीन स्क्रीन। शॉट, अच्छा स्क्रीन शॉट लेना है, आपने बोला स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है, एक मिनट दिखेगा, एक सेकंड। दिख रहा है आप स्क्रीन, हाँ ठीक है, तो चलिए हम लोग कितने नंबर पे सर थे, हम लोग थे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से अच्छा कौन सा अधातु प्रकृति में, ठीक है, द्वि परमाणु नहीं है, ठीक है, तो कौन नहीं है प्रकृति में द्वि परमाणु बताइए, ठीक है, तो फास्फोरस नहीं है प्रकृतिक में, द्वि फास्फोरस परमाणुक फास्फोरस मतलब फास्फोरस नहीं होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेकिंग पाउडर की सही संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेकिंग पाउडर की सही संरचना का मतलब प्रतिनिधित्व करता है, सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम और कार्बन, या फिर ऑक्सीजन सोडियम कैल्शियम और हाइड्रोजन, या फिर कैल्शियम ऑक्सीजन और मतलब हाइड्रोजन, बताइए कौन सही है, तो इसका बी सही है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम और कार्बन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या था, तो प्रश्न हमारा था, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेकिंग पाउडर की सही संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम और मतलब क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, कौन कौन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो बेकिंग सोडा का NaHCO2 NaH CO क्या 2 या 3, 3 होता है, ठीक है, क्या होता है, तो इसमें सोडियम आ गया, हाइड्रोजन आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन जो बहुत आसान है, आपको बताना है निम्नलिखित में से खोज को सही कलानुक्रम में सजाइए, तो सबसे पहले बताइए नाभि की खोज कब हुई थी, नाभि की खोज कब हुई थी, नाभि की खोज, चलिए पहले बताइए न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की गई थी जेम चैडविक के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज
1897 में की गई थी। आवाज नहीं जा रही क्या? ठीक अच्छा है बिल्कुल। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की खोज कब हुई थी? तो प्रोटॉन की खोज 1919 में हुई थी। ठीक है, और इसका नाभिक की खोज कब हुई थी? तो इसका खोज रदरफोर्ड ने किया था, न्यूक्लियस का 1911 में किया था। आप समझा समझा मतलब सजा दीजिए। नाभिक की खोज 1911 में, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद क्या होगा, प्रोटॉन की खोज 1919 में किसके द्वारा? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा 1919 में। ठीक है, रदरफोर्ड दो खोज इसमें, या 1911 में गोल्ड नाभिक की स्टीन, खोज। क्या भी हो सकता इसका दो दो आंसर लेता है क्या? प्रोटॉन का गोल्डस्टीन भी लेता है क्या? हाँ। ठीक है, तो मिलाइए आप, क्या सही लग रहा है इसमें से बताइए। आप तो समय पता चल गया, आप मिला दीजिए। सी बिल्कुल सी, सबसे पहले दो मतलब 1897 में इलेक्ट्रॉन, उसके बाद नाभिक 1911 में, उसके बाद चार नंबर 1919 में प्रोटॉन, 1932 में न्यूट्रॉन। चलिए, अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता के प्रति जड़ता के कारण नोबल गैसों का नाम रखा गया है उसके बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। नोबल गैसों में इलेक्ट्रॉन, नोबल गैसों में इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, इंथेलपी के बड़े सकारात्मक मूल्य होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, नोबल गैसें पानी में कम घुलनशील होती है। तीसरा की बात करें, नोबल गैसों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। नोबल गैसों में कमजोर परिक्षेपण बल होता है। बताइए कौन सा ये, बहुत कम होता है उनका गलनांक उतना। बताइए कौन सा, 86 का मतलब बहुत कम होता है, मतलब सी सी नंबर। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, नोबल गैसों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम होता है। क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ध्यान रखें, क्या होता है? कम होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ड्यूटोरियम और ट्रिटियम, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, संभारिक परमाणु, संभारिक समान परमाणु क्रमांक और भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं। ठीक है, समस्थानिक एक परमाणु क्रमांक है और भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, या फिर बताइए कौन सा सही है। ए और बी बिल्कुल ठीक है, बात करेंगे, ये सही है। ठीक है, कौन सा गलत, सही बात बात करें, गलत कौन सा है सो पूछना है ना, गलत पूछना है। ठीक है, तो गलत की बात करेंगे तो ये गलत है, संभारिक समान परमाणु क्रमांक और भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं। संभारिक जो होता है समान परमाणु द्रव्यमान होता है, और भिन्न भिन्न मतलब क्या होता है, उसमें क्रमांक क्रमांक। होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, उल्टा कर दिया है। ठीक है, किसी तत्व के समस्थानिक के गुण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? समान भौतिक गुण, विभिन्न रासायनिक गुण, ठीक है, विभिन्न परमाणु गुण, या फिर न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या, बताइए क्या सही है? न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी तत्व के समस्थानिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या जो है वह आपका सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी गलत है। किसी गर्मी के दिन के बाद लोग छत पे या खुले मैदान में पानी छिड़कते, ऐसा इसलिए किया जाता है, किसी गर्मी के दिन के बाद लोग छत पे या खुले मैदान में पानी छिड़कते। आप लोग भी देखते हुए, रात में जब हम छत पे जब सोने जाते तो उससे पहले क्या होता है, सब आदमी बोलता है थोड़ा पानी थोड़ा सा डाल दो। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल दो, रीजन क्या है? सलयन की बड़ी ऊष्मा सतह को ठंडा करने में मदद करती है, या फिर ये संघनन को बढ़ा देती है, ये पानी के वाष्पीकरण से बड़ी गुप्त गर्मी सतह को ठंडा करने में मदद करती है, फिर क्वथनांक को कम करता है। बताइए कौन सही है? सी बिल्कुल सी सही है, पानी के वाष्पीकरण की बड़ी गुप्त गर्मी गर्म सतहों को ठंडा करने में मतलब क्या को करती ठंडा है, करने में मदद मदद करती करता है। है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिएगा निकलता है, ठीक है, मतलब गर्मी निकल जाता है छत वगैरह का। ठीक है, उसके बाद कर निम्नलिखित कथन, निम्नलिखित मिश्रण और ठीक है उपयोग की जाने वाले पृथक्करण तकनीक पे, पृथक्करण के तकनीकों पे क्या करें, विचार करें। सोडियम क्लोराइड इसके पानी के घोल से ऊध्र्वपातन, सोडियम क्लोराइड इसके पानी के घोल से ऊध्र्वपातन, दही मक्खन, दही से मक्खन वाष्पन, या फिर चाय से चाय की पत्तियां छानना, या फिर पानी में निलंबित बहुत महीन कणों को अलग अलग करना, निस्तारण। बताइए कौन सा सही है? सोडियम क्लोराइड इसके पानी से घोल में ऊध्र्वपातन, गलत बता रहा है, उसके बाद वाष्पन वाला तो गलत। हाँ निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सो पूछ रहा है, नहीं है तो गलत चुनना है, बताइए कौन सही है इसमें। बिल्कुल ठीक है, इसका बी सही, एक और दो जो है गलत है। ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड इसके पानी में घोल का ऊध्र्वपातन गलत है, ठीक है, दही से मक्खन जो है वाष्पन गलत है। ठीक है, ये दोनों गलत है, बाकी चाय से चाय की लेकिन पत्तियां। सर,
NaCl को तो उदरपातन, अच्छा वो वाष्पीकरण है, उदरपातन ठीक थोड़ी है। होता, वाष्पन होता है ना। हाँ वाष्पन। NaCl तो वाष्पन होता है ना, ध्यान में रखेंगे, क्या होता है, वाष्पन होता है। चलिए दोनों गलत है, ठीक है। बाकी चाय से चाय की पत्तियां को छान सकते हैं, ठीक है। पानी से निलंबित बहुत महीन कणों का अलग करना निस्तारण कहलाता है, और दही से मक्खन जो होगा उदरपातन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस मिश्रण को उदरपातन की प्रक्रिया का उपयोग करके अलग किया जाता है, ठीक है। पानी से इसके घोल के में सोडियम क्लोराइड, ये तो होगा नहीं। फूलों की पंखुड़िया के अर्क के विभिन्न रंग द्रव पानी से तेल, या फिर सोडियम क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड के युक्त मिश्रण नंबर से वाला, अमोनियम डी क्लोराइड, डी बताइए। वाला, डी बिल्कुल ठीक है, बहुत सोडियम सुंदर क्या हो क्लोराइड जाएगा, सोडियम अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के युक्त मिश्रण से अमोनिया क्लोराइड को जो अलग जो करते हैं, इसके लिए कौन सी प्रक्रिया, उद्गलपातन प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है, ठोस मतलब सीधे मतलब गैस में मतलब क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों को सबसे अधिक प्रक्रियाशील से कम प्रक्रियाशील के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे अधिक से सबसे मतलब कम कीजिए, व्यवस्था व्यवस्थित कीजिए, क्या होगा, से ज्यादा कैल्शियम। हाँ सबसे अधिक, सबसे अधिक की बात करें, कैल्शियम एक नंबर पे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसके बाद एल्युमिनियम दो नंबर पे, उसके बाद आयरन, आयरन चार नंबर पे, ठीक है। कॉपर जो होता है क्या होता है, ये आपका जाएगा 3 नंबर पे, ठीक है। ध्यान में, कहीं से गलती कर दिया क्या, 92 का आंसर क्या बी है, 3 3 4 होगा ना। अच्छा 92 का आंसर बी लिया, मतलब सबसे अधिक बात करेंगे, ठीक सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील में सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका कैल्शियम सबसे ज्यादा, उसके बाद एल्युमिनियम दूसरा नंबर पे, उसके बाद बात करें कॉपर जो होगा, आयरन जो होगा क्या होगा, चौथा नंबर पे, या फिर बात करेंगे ये क्या होता है, इसको हमको तो गलती लग रहा है, आयरन एल्युमिनियम से पहले आना चाहिए ना, क्योंकि इसमें जंग बहुत जल्दी लग जाता है। सबसे अधिक पोटेशियम दिया, फिर सोडियम दिया, फिर कैल्शियम दिया, फिर मैग्नीशियम दिया, फिर एल्युमिनियम दिया, फिर जिंक दिया, फिर आयरन दिया है, फिर टीन दिया, फिर लेड दिया, फिर कॉपर दिया, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, सबसे कम मतलब गोल्ड होता है ऐसा दिया, सबसे अधिक पोटेशियम होता है, आयरन के साथ थोड़ा वो लग रहा है, ठीक है। चलिए देख लेंगे, रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज की है, रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज की गई है, बताइए तो क्या है, ठीक है। तो परमाणु की सघन क्षेत्र जिसमें न्यूट्रॉन और धनात्मक प्रोटॉन दोनों होते हैं, क्या होते हैं, सी। इसका लिया 93 का भी लिया है, ठीक है। रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज की गई है, तो परमाणु का बात करेंगे, परमाणु का मतलब क्या था, सघन क्षेत्र जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मतलब दोनों मतलब होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी रासायनिक प्रक्रियाओं का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी रासायनिक प्रक्रियाओं का उदाहरण नहीं है, प्राकृतिक गैस का जलना, ठीक है, मनुष्यों का, मनुष्य में श्वसन, ठीक है, वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन, या फिर पौधों में प्रकाश का संश्लेषण, बताइए कौन सा ऊष्माक्षेपी, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण नहीं है, बताइए। ये वनस्पति तो पदार्थ का गैस का दोनों, बिल्कुल ठीक है, पौधे में प्रकाश का संश्लेषण, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ये किसका, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण नहीं, ऊष्माक्षेपी का नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखिए ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी की बात करेंगे, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा प्रकाश या ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्या होती है, यहाँ पे देखें, क्योंकि इस प्रक्रिया सूर्य वाला में, सूर्य में प्रकाश अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मुक्त नहीं होती है, ठीक है, इनको तो क्या होता है, आवश्यकता ही होता है ना, ठीक है, इसमें ऊर्जा तो मुक्त नहीं होगी, नहीं तो मतलब प्रकाश मुक्त होगी, इनको आवश्यकता होती है, इसलिए ऊष्मा छेपी नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पे ग्रे हो जाता है, किसका कारण है, ठीक, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो होता है सूरज की रोशनी में जब आते हैं तो ग्रे हो जाते हैं, किसका कारण है, बताइए, अपघटन पर, बिल्कुल ठीक है, अपघटन अपघटन प्रक्रिया का, प्रतिक्रिया का, सॉरी, अपघटन प्रतिक्रिया का कारण है, ठीक है। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में संपर्क में आने पे ग्रे हो जाता है, इसका उदाहरण था अपघटन प्रतिक्रिया का है, ठीक है। आगे चलेंगे, जब एक मैग्नीशियम, ठीक है, रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में चमकदार ज्वाला के साथ जलता है, तो यह सफेद चूर्ण पदार्थों में बदल जाता है, सफेद चूर्ण क्या होता है, बताइए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बताइए क्या होता है, सफेद चूर्ण, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिल्कुल ठीक है, मैग्नीशियम क्या बहुत ऑक्साइड। सुंदर, क्या बताया आपने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या होता है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। बहुत सुंदर, आगे चलेंगे, आगे का प्रश्न है, देखते हैं उसको आगे, देखते तो आगे क्या है देखेंगे। सफेद कपड़े पे करी का दाग, सफेद कप कढ़ी लिखना चाहिए, करी का दाग साबुन के रगड़ने पे लाल भूरे रंग का हो जाता है, उपयुक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। साबुन अम्लीय प्रकृति के होता है, गलत है, क्षारीय होता है। करी में एक वर्णक होता है जिसके लाल रंग का कारण बनता है, फिर साबुन की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है बताइए, या फिर पानी दाग के साथ साबुन प्रतिक्रिया साबुन करता की है। प्रकृति क्षारीय होती है। बिल्कुल, साबुन की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, अच्छा इसी वजह से सफेद कपड़े पे करी का दाग साबुन से रगड़ने पे लाल भूरे रंग का मतलब क्या हो जाता है करी ठीक में है, ध्यान हल्दी में होता है, रखिए। हल्दी करने से होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या है, तो आपका वो भी है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेटर भी है ना वो। जी आगे चलेंगे, एसिड आम तौर पे, ठीक है, एसिड आम तौर पे धातुओं के साथ नमक और गैस बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है ठीक है, जो एक पॉप ध्वनि के साथ जलता है, निम्नलिखित के दौरान कौन सी गैस निकलती है ठीक है, जाहिर सी हाइड्रोजन बात है कार्बन हाइड्रोजन डाइऑक्स, बिल्कुल हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा न तो अवशोषित होती है, नहीं एक रोटेशन प्रणाली द्वारा जारी की जाती है, किसमें होता है बताइए, अंग्रेज जी आवाज नहीं आ रहे ठीक होता है, है बिल्कुल पहला स्थोरोस में सी ठीक है, नंबर क्या होता है, स्थोरोस परिक्रम में क्या होता है, हाइड्रोजन प्रक्रिया में ऊष्मा न तो अवशोषित होती है और न ही मतलब एक प्रणाली द्वारा जारी की जाती है ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है ठीक है। आगे चलेंगे तो बिलियन के निम्नलिखित जोड़ों पर ठीक है संबंधित पीएच मान पर विचार करें, बिलियन के निम्नलिखित जोड़ों पर मतलब पीएच मान का, लार क्या होता है, भोजन के बाद 7 से कम, नल का पानी लगभग 7, नींबू का रस 7 से अधिक, कॉफी 7 से ज्यादा, बताइए कौन सा इसमें क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए, एक और बहुत आसान है तीन, ये। अच्छा एक और तीन, अच्छा 4 सुमेलित है, कॉफी सात से ज्यादा होगा, होगा कॉफी नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल कॉफी 7 से ज्यादा यानी क्षारीय थोड़ी होगा, वो अम्लीय ना होना कॉफी चाहिए, क्षारीय थोड़ी ना होता है ठीक है, तीन तीन और चार होता चार है, सही तीन है, चार होगा, बिल्कुल तीन तीन चार, चार ये भी प्रकृति में अम्लीय होता, कॉफी नींबू का तो होगा। बहुत नींबू कम का रस होता भी है, अम्लीय होता है, 2.4 होता है ना सर नींबू का रस का, टू पॉइंट जी टू से टू पॉइंट एक टू से फोर टू पॉइंट फोर ठीक हाँ है। वैसे ही नल होता है वो का भाई पानी तो शुद्ध जल होता है क्योंकि हम लोग पीते हैं, तो लगभग 7 सही है। लार की जी, बात हाँ करेंगे तो लगभग प्रकृति लगभग में अम्लीय होता है ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, सिक्स लेकिन पॉइंट फोर तीन होता है और ना चार जो है क्या है गलत है ठीक है, ध्यान में रखेंगे ठीक है। अगर 7 से अगर ज्यादा रहे तो उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे, 7 से अगर कम रहे तो उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे, और लगभग 7 के बराबर रहे पीएच तो उसको क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे ठीक है, ध्यान में रहेंगे ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, क्या निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, भोजन से पहले लार का पीएच मान भोजन के बाद लार के पीएच मान से अधिक होता है ठीक है, ध्यान रखेंगे ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूध खट्टा होने पे पीएच का मान कम हो जाता है ठीक है, या फिर मिट्टी के पीएच मान वृद्धि से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, मतलब बताइए क्या सही लग रहा है, मतलब क्या सही क्या है बताइए, सभी सही है। नहीं, वन टू ये सही उर्वरता है, बढ़ेगा पीएच मान में, मिट्टी अगर क्षारीय अगर हो जाएगा तो थोड़ी ना अच्छा माना जाएगा, दो एक आ दो सही है ठीक है। भोजन से पहले सही लार का पीएच मान भोजन के बाद लार के पीएच मान से अधिक हो जाता है। पीएच मान में वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ, कमी हो जाएगा तब तो वो अम्लीय हो जाएगा, पीएच मान में वृद्धि हो गया यानी क्षारीय हो गया, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दूध खट्टा होने पर उसका पीएच मान कम हो जाता है, खट्टा होगा तो अम्लीय होगा तो ही तो खट्टा अम्लीय होगा हो ना, जाएगा जी दूध। सही है। अब मिट्टी के पीएच मान में वृद्धि से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, नहीं गलत है ठीक है, इसीलिए उसमें देखिएगा मिट्टी में चूना मिलाते हैं ना ताकि उसकी अम्लीयता को मतलब कंट्रोल किया जाए, मिलाते हैं ना चूना मिला के ना अम्लीयता क्षारीयता को कंट्रोल कर लिया, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए मतलब क्या होता है, कंट्रोल हाँ ठीक है ध्यान में रखेंगे, तो एक आधु मतलब क्या है सही है ठीक है। छाड़िए के लिए जिप्सम मिलाते हैं। क्षारीय के लिए जिप्सम मिलाता है ठीक है, अम्लीय के लिए चूना मिलाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है सही है, चींटी के डंक में एसिटिक एसिड नहीं होता है, नेटल डंक में मेथोइक एसिड होता है सही है, खट्टा डुक में लैक्टिक एसिड होता है, तो बोला है निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है बताइए, कौन सा गलत सुमेलित है, चीटी का डंग बिल्कुल जो है एसिटिक ठीक है, एसिड ये होता है, चींटी उसको के डंक में एसिटिक तो एसिड सिरका नहीं में होता है एसिटिक ठीक है, एसिड होता है ना, सिरका बिल्कुल में ठीक है, ये एसिटिक गलत है, एसिड केवल दू क्या है आपका गलत है ठीक है, इसको जरा आप लोग याद रखें। चीटी के डंग आगे में चलेंगे मेथनॉइक निम्नलिखित, कम है, चीटी के डंग में हाँ मेथनॉइक इसमें कम है, मेथनॉइक होता है और एक और भी होता है ना फॉर्मिक एसिड भी होता है, मेथनॉइक फॉर्मिक होता है ना, मेथनॉइक को ही हाँ बोलते हैं फॉर्मिक फॉर्मिक, एमल। हाँ ठीक है फॉर्मिक एसिड बोलते हैं उसी को ठीक है, मेथनॉइक यहाँ पे तो दिया हुआ है, ये बिच्छू के डंक में भी शायद होता। जी जितना काटने वाला चीज आगे सब में चलेंगे, होता बिल्कुल सब में, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है ठीक है, अपचायक के रूप में, पीछे
पीने के पानी के कीटाणुओं से मतलब मुक्त करने के लिए, पेट पेंट उद्योगों में, या फिर बेकिंग सोडा बनाने में बोल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है, क्या क्या है मतलब किसमें होता है? बिल्कुल 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 ठीक है, बी नंबर सही है, पीने के पानी में कीटाणुओं को मुक्त कर। अखिलेश जी कट कर आइए ना, आवाज बहुत कट कट के आ रहा है, ठीक है ये सही है। ठीक है अब ये आप बताएं हमें, ठीक है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है जरा बताइए हमें। ब्लीचिंग पाउडर है, CaCl2। CaCl2 CaOCl2, ठीक है ये आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर का, आपका क्या होता है सूत्र होता है, ठीक है कीटाणु रोधी होता है, ठीक है कीटाणु को मतलब समाप्त करने में इसका प्रयोग किया, हॉस्पिटल वगैरह में इसका स्मेल बड़ा घटिया होता है। ठीक है आगे चलते हैं, पानी की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है क्लोराइड और ठीक है सल्फेट के घुले लवण के कारण होती है, जिसे डैश मिलाकर मतलब हटाया जाता है, तो किसे मिलाकर हटाएंगे बताइए? बुझा हुआ इतना, वाशिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर पे किसको हटा कर? बिल्कुल वेरी गुड, वाशिंग सोडा, ठीक है वाशिंग सोडा जिसको सर्फ कहते हैं उसको मिलाकर। ठीक है एक गैस निकलती है, एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, जब एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो समाधान है वो कौन सा गैस, मतलब किसके बारे में बात हो रही है बताइए? सीएओ सुनिए फिर से, एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, जब एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो समाधान है, पता नहीं आ रहा है, HCl आंसर लिया है, क्या लिया है? 105 का HCl लिया है, ठीक है हाँ HCl लिया है। ठीक है इसका इंग्लिश पानी को लिखे तो जरा दुधिया कर समझ में देगा आए, जो देखिए तो CO2, नहीं CO2, ठीक देखिए एक गैस इन्वॉल्व, ठीक है एक गैस इन्वॉल्व विच, ठीक है टर्न्स एक सुन लीजिए, ठीक है एक गैस इन्वॉल्व विच विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन ए सोल्यूशन रिएक्ट्स विद, ठीक है क्रॉस्ड एग सेल्स द सोल्यूशन हैज, ठीक है HCl, ठीक है उस किसके सोल्यूशन की बात हो रही है? HCl सोल्यूशन की बात हो, क्योंकि यहाँ पर एग सेल्स के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है इस सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है घोल की बात हो रही है, ठीक है तो HCl लिया, क्या इशू है एक बार देख लीजिएगा अपना क्वेश्चन कैल्शियम तो डाला कार्बोनेट हुआ जो ही है, है। मतलब HCl से अभिक्रिया किया ना है, हाँ वही वाला, क्योंकि तब उसका तो CO2 निकल कैल्शियम करता है कार्बोनेट ही तब होता है ना, CaCl2 उसका बन क्या जाएगा, तब होता CO2 निकल जाएगा उधर, सही है तब, सही है हाँ तो सर कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है ना, उसका वो छिलका जो होता है जी उसका जी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है ना। एक बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता, बिलियन की प्रकृति क्या होगी बताइए? नीला को लाल करेगा तो क्या होगा लिए बिलियन की प्रकृति? अम्लीय, अम्लीय, क्या नीला हो को जाएगा? लाल कर देगा, बिल्कुल अम्लीय ठीक, बहुत सुंदर, अम्लीय। अम्लीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग कीटाणु नाशक के रूप में किया जाता है, किसका करते हैं? तो ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर बहुत और सुंदर, ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं, ठीक है ध्यान रखें, जिसका सूत्र क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? CaCl2 CaCl CaO CaO CL2 यही ना होता है। CaO आगे हाँ चलेंगे तो देखेंगे एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु को संक्षारण प्रतिरोध बनाया जाता है, बताइए क्या होगा? जिंक जिंक ठीक है एल्युमिनियम को, किसको? एल्युमिनियम को, ठीक है एनोडाइजिंक की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित, लोहा का तो ग्लेबनाइजेशन होता है इतना तो ध्यान रखिए, ठीक है एनोडाइजिंक की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में किस धातु को संक्षारण प्रतिरोध बनाया जाता था? एल्युमिनियम को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण सोने सहित किसी भी धातु को घोल सकता है, ठीक है सोने के साथ साथ उसको भी घोल सकता है, बताइए किसका मिश्रक होता है? एक नंबर जिसको क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर, ठीक एक है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस दोनों को मिलाने पे क्या बनता है, क्या बनता है उसको? अम्लराज कहते हैं ना, एक्वारेजिया अम्लराज बनता है, ठीक है अम्ल का राजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोने के साथ सबको मतलब क्या करता है, घोल देता है। सोल्डर जो कि एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत तारों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, किसका संयोजन है? ठीक है शीशा और तांबा का, बिल्कुल टीन और शीशा का, किसका? टीन और शीशा का, ठीक है Sn प्लस क्या होता है तो Pb होता है, नहीं यही ना होता है Sn प्लस Pb होता है, ठीक है ध्यान में रखेंगे। ठीक है आगे चलेंगे, पेय पदार्थ को डिब्बे, पेय पदार्थों के डिब्बे जिसको केन के अंदर जिंक जिंक की नहीं बल्कि टीन की परत होती है, क्यों होती है, क्यों होती है? ठीक है ध्यान रखें, टीन की तुलना में जिंक अत्यधिक मतलब अभिक्रियाशील है, क्या होता है? तो चीन की तुलना में जिंक जो है अत्यधिक क्या है, अभिक्रियाशील है, ठीक है ध्यान में रखेंगे। ठीक है चलिए अभिक्रियाशील सर, वो अभिक्रियाशील बिल्कुल ठीक है, नहीं, अब ज्यादा चलेंगे आगे। रिएक्टिव होगा ना इसीलिए लगा देता होगा क्योंकि टीन कम है तो देखिए इसलिए टीन का परत हो गई। पेय पदार्थों के डिब्बे केन के अंदर जिंक नहीं बल्कि टीन की परत होती है, क्योंकि मतलब टीन की तुलना में जिंक जो अधिक अभिक्रियाशील है,
तो उसके अंदर डालेंगे तो अभिक्रिया करने लगेगा ना, इसीलिए टीन का लगाते हैं। ठीक है, इसलिए देखेंगे निम्न में से, निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक एसिड के बारे में गलत है। इसमें चार हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसमें चार ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, या फिर ये प्रकृति में अम्लीय है। गलत कौन है बताइए? चार ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु वाला थोड़ी होते इसमें हैं, चार ऑक्सीजन नहीं दो होता है। ठीक है, होता इसमें चार ऑक्सीजन चार नहीं होता है। ठीक ऑक्सीजन है, परमाणु इसमें चार दो ऑक्सीजन होता नहीं है होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब कितना होता होता है मुझे तो जानकारी नहीं, देखेंगे 112 में देखते दो हैं। ठीक होता है, है दो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, दो दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन क्या होता है, परमाणु इसमें दो होते हैं। ठीक है, होता है इसी का क्या, एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का है, CH3COOH। इसका होता है CH3COOH। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन चारों का में तो ही है चार गो ना। है, H3 चार गो है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हीरा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट और हीरा हाइड्रोजन के अपरूप है, तो गलत है ना। ग्रेफाइट हाँ, बहुत वन बहुत का अचालक है, ये प्रूफ भी सही है, ये भी सही है। है। हीरे को बहुत कम दबाव और तापमान लगाकर, ठीक है, शुद्ध कार्बन से कृत्रिम रूप में संश्लेषित किया, नहीं, नहीं अधिक अत्यधिक दबाव चाहिए। का तो मतलब बोल रहा है गलत कौन दो है, चार कौन गलत सा गलत दो है? चार बी नंबर बी बिल्कुल नंबर ठीक एक है, तो पूछ दो रहा है, और एक चार चुनना है, मतलब मतलब क्या हो एक और जाएगा? तीन, तो एक और सही तीन चुनना सही है है, ना, सही चुनना। सही चुनना है, तो एक और तीन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। दो और चार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे, अच्छा, कभी कभी घर में खाना बनाते समय धातु के बर्तनों की तली में कालिख जैसा काला पदार्थ जमा हो जाता है, इनमें से कौन सा उपयुक्त कथन के संबंध में सही है। ईंधन में संतृप्त हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, धातु का बर्तन खराब है, ईंधन में असंतृप्त हाइड्रोजन, असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं, बर्तन का आधार प्राकृतिक में अम्लीय है, बताइए क्या होता है, संतृप्त होता है कि असंतृप्त होता है, बताइए। असंतृप्त बिल्कुल, ईंधन में असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं, जिसके वजह से ईंधन कार्बन क्या होता है, अत्यधिक नहीं जल पाता है, और वो क्या करेगा, तो वो मतलब क्या कालिक करेगा, आपको धुआं छोड़ करेगा। ठीक देगा है, जिससे मतलब कालिख छोड़ देगा। जी। ठीक है, टिंचर आयोडीन कफ सिरप और नई टॉनिक जैसी दवाओं में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। डेकनॉल का, इथेनॉल का, मेथनॉल का, इप्रोपेनॉल का, किसका किया जाता इथेनॉल है, इसका इथेनॉल का प्रयोग इथेनॉल करते हैं। ठीक है, इथेनॉल का, इसीलिए कभी मन करे का तो पूरा कफ सिरप पी के सो जाइए, ठीक है, नशा भी आती है। ठीक है, इथेनॉल इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिसल का सबसे अच्छा वर्णक है। ठीक है, यह एक फ्लेवरिंग एजेंट है, यह एक सुगंधित यौगिक है जिसका उपयोग परफ्यूम में किया जाता है, यह गंदगी को साफ करने के लिए साबुन के अणुओं द्वारा बनाई गई संरचना है, इसका उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है, मिसेल का प्रयोग, बताइए। बहुत बी सुंदर नंबर प्रश्न है, बताइए। अणुओं का यह अणुओं सुगंधित गंदगी, यौगिक है जिसका उपयोग परफ्यूम में किया जाता नहीं, गंदगी साफ यह गंदगी को करने साफ करने के लिए साबुन के अणुओं द्वारा बनाई के। गई संरचना है, उसको मिसेल कहते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से मतलब जोड़ियों पे मतलब विचार करना है। ठीक है, ट्रिक नियम जो था डोबेराइनर ने दिया था, आवर्त सारणी न्यूलैंड का है, या फिर सही अष्टक की बात करें मेंडलिप का है, बताइए कौन सा सही है। सुमेलित नहीं है, बताइए, सही नहीं नहीं है, बता रहा। बताइए। दो और तीन दो और तीन गलत है, गलत दो और है, तीन सही गलत दो है। और तीन। तो आवर्त सारणी किसने दिए थे, आवर्त सारणी मेंडलिप 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 ने और और अष्टक अष्टक न्यूलैंड का न्यूलैंड है। नियम कितने दिए, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था, न्यूलैंड बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, आप देखिए इसमें पीएच सबसे अधिक इसका है, एनओएच संतृप्त विलयन। ठीक है, उसके बाद करेंगे, या फिर मानव रक्त का, एससीएल का बात करेंगे, या फिर जठर रस का, चार तो पीएच वाले जिसका भी अधिक होकर जाहिर सी बात है वो पहले तो क्षार होना चाहिए। ठीक है, होना ब्लड का कितना चाहिए होता है, 7.4 होना चाहिए। जठर रस नहीं होगा, मानव का लार नहीं होगा, एससीएल भी नहीं होगा, सिरका नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो दो होगा, एक एक होगा, तो फिर क्या, का ये सब तो होगा, अम्लीय है एक ही ना, होगा सारे। देख लिया सिर्फ एनएच दो और तीन, अब तो दो मतलब तीन दोनों होगा में से भाई, केवल एक ही, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो एनओएच का ज्यादा हो एक ले जाएगा, लीजिए, पिकाचु मान यही होगा, एक एक हो जाएगा, क्योंकि दो वाला सात तो कोई ऑप्शन दिया नहीं ना है, तो जी इसीलिए जी इसका कितना होगा, इसका 10 होता है। ठीक है, वो भी पूछ रहा सबसे अधिक पूछ रहा है। ठीक है, सबसे अधिक, ठीक है, अगर पूछेगा किसका किसका अधिक है तो सही होता, लेकिन इसका तो 10 होता है, इसका 7.4 ही होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे 7.5 भी दिया रहता है। ठीक है, एससीएल का तो 1.08 होता है, गैस्ट्रिक अम्ल की बात करेंगे जिसको जसर बोलते हैं, उसका तो 1.08 होता है। ठीक है, सिरका का 3 होता है, मानव कलार का 6 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी क्या होगा, इसका तो 10 होता है, तो बहुत ही ज्यादा होता है क्षारीय में। ठीक है, आगे चलेंगे, तो क्या होता है, एक या एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक जहरीली है, या अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन की डिलीवरी के अवरुद्ध करने की क्षमता रखती है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में, तो जानते हैं ये सिंपल सी बात, एक ही गैस मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनो मोनोऑक्साइड। ठीक है, जहरीली गैस कार्बन है। ठीक है, ध्यान मोनोऑक्साइड रखिएगा।
बहुत सुंदर। ठीक है आगे चलेंगे तो देखेंगे निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ओजोन, ओजोन की बात करने का ट्राइटोनिक ऑक्सीजन है। ओजोन क्या है? ट्राइटोनिक ट्राइटोमिक ऑक्सीजन है, या फिर ये मुख्य रूप से समताप मंडल में मौजूद होता है। भूतल ओजोन खतरनाक नहीं है, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए फ्रिंस अनुकूल नहीं है, तो ये तो सरासर गलत बात है, फ्रिंस अनुकूल तो कभी ना होगा। बताइए, बताना है कौन सा सही है। तो ए का दो नहीं सही है, ठीक है। का तो सही है भूतल ओजोन तो खतरनाक नहीं होते हैं, और फ्रिंस जो होता है इसके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसी के वजह से इसका क्षरण होता है, ठीक है। तो ए का दो मतलब क्या है? सही है, बाकी तीन और चार स्टेटमेंट गलत है। माइक बंद कर लीजिए जहां से आवाज आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा दांतों को इनेमल को अत्यधिक कठोर बनाता था? किसके वजह से दांत का इनेमल जो होता है अत्यधिक कठोर हो जाता है, जरा बताइए। नंबर बहुत सुंदर। क्या होता है? फ्लोरीन के वजह से दांतों का इनेमल जो होता है अत्यधिक कठोर हो जाता है, ठीक है। ब्लू बेबम सिंड्रोम के रूप में जाने जाना रोग किसके अत्यधिक अंतर्ग्रहण के कारण होता है? बहुत सुंदर, लाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। आप मिलाइए इसको, ठीक है। पोटेशियम किसमें मिलेगा, पारा किसमें मिलेगा, कॉपर किसमें मिलेगा, लोहा किसमें मिलेगा? तो चाकू सबसे चाकू पहले से बार काटने पोटेशियम को के चाक, लिए चाकू से चलिए ठीक हो है, जाएगा। आप लोग बोल दीजिएगा पारा उसके बाद कमरे मैं के एक तापमान पे मिनट। तरल रहता है। बिल्कुल ठीक है, पारा की बात करेंगे तो कमरे के तापमान पे मतलब तरल रहता है, ठीक है। चलिए, भूरा रंग का ये हो जाएगा लोहा ये, एक एक नंबर जी सर, और कॉपर हो और ये जाएगा तीन मतलब, नंबर हरी परत हो जाती है ना कॉपर में, तो उसमें बताइए क्या हो जाएगा, कलर आंसर क्या हो जाएगा। एक का दो, और दो का चार है ना, तो एक का दो बिल्कुल का ठीक है, चार ध्यान कॉपर में में और रखेंगे। शायद तो तीन बिल्कुल, कॉपर पोटेशियम चाकू को आसानी से काटा जा सकता, सही है। पारा की बात करें, जी। कमरे के तापमान पे तरल। कॉपर की बात करें, निम्न हवा में संपर्क में आने पे हरी परत का बन जाता है, बिल्कुल। लोहा की बात करें, निम्न हवा के संपर्क में आने पे लाल भूरे रंग का परत बन जाता है, ठीक है, सही है, ठीक है, मतलब जंग लग जाती है। 124 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। एस्प्रिन और, ठीक है, पेरासिटामोल मादक दर्दनाशक दवाओं का वर्ग से संबंधित है। मादक तो नहीं है भाई साहब। मॉर्फिन और हेरोइन गैर मादक दर्दनाशक, ये तो गलत करे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर उल्टा दिया कर है, तो दिया कौन सही हो इन्होंने, जाएगा बताइए। बिल्कुल, दोनों तो गलत कथन है, एक दोनों गलत है, ठीक है, क्योंकि ये मादक दोनों नहीं होता। एस्प्रिन और मतलब ये मतलब क्या है, ये तो दवाओ, ये तो है गैर दर्दनाशक मादक, तो है, दर्दनाशक गैर तो है, मादक लेकिन ये गैर मादक है, ठीक है। ये भी है, ठीक है, मॉर्फिन हेरोइन को लोग सेवन करते क्या करते हैं, ठीक है, वो मतलब उसके बाद उसको कुछ भी उसको कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो मादक मादक वाला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो उल्टा कर दिया है, दोनों के दोनों गलत है। वही नशीली ना। बिल्कुल नशीली, ठीक है, नशीली, ठीक है, उसी को मादक बोलते हैं, ठीक है। समानता, सामान्यतः धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड पानी में अघुलनशील है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम धातु है, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील अम्लीय विलयन बनाता है। बताइए सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा सही उत्तर है सभी बताइएगा सही जरा। है, सभी सही क्या है है? सर, अभी सही लग रहा है, सभी डी सही है, नंबर। डी नंबर डी, बात सभी सही करेंगे तो आपके सारे जवाब। के सारे सभी नहीं है, केवल एक और तीन सही है, ठीक है। क्या है? केवल एक और तीन सही है, ठीक है। 125 एक का तीन नहीं सी, सर, बी, क्या सॉरी, एक और तीन सही है। सामान्यतः धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, बिल्कुल। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड पानी में अघुलनशील है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या है, धातु है, ठीक है, धातु वाला तो अघुलनशील होता है। अधात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता, गलत है। अधात्विक ऑक्साइड जल में घुसकर अम्लीय विलयन नहीं बनाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 126 नंबर निम्नलिखित, तीन सही दिया है, एक और मतलब एक और तीन सही दिया, उसमें सही कथन एक और कहाँ तीन था? सही है, बिल्कुल, एक और तीन हाँ तो सही है, ठीक है, दूसरा मतलब गलत, दो नंबर गलत है, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड और अम्लीय पोटेशियम ऑक्साइड पानी में अघुलनशील है, क्योंकि बनाता सोडियम और, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम मतलब धातु है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसा कुछ इसका नहीं है, क्या ठीक है। दिया है सर, थोड़ा सा पढ़ दीजिए एक्सप्लेनेशन इसका। 125 का एक्सप्लेनेशन है, अधिकांश धातु ऑक्साइड पानी में अघुलनशील होती है, लेकिन कुछ पानी में घुल जाते थे। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं, ठीक है, ये अघुलनशील नहीं है, ओ ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को जो ऑक्साइड जो होते हैं अच्छा, धातु होने के बाद भी पानी में मतलब क्या होता है, घुलनशील होते हैं, लेकिन ज्यादातर मतलब बात करेंगे तो ज्यादातर पानी में क्या होते हैं, अघुलनशील है, लेकिन ये अघुलनशील घुलनशील है, होता ठीक है, अक्षार बनाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का उपयोग सर्जरी के दौरान संवेदना हारी के रूप में किया जाता है? किसका करते हैं बताइए, सुंघा के उसको बेहोश कर क्लोरोक्वीन, देते हैं ना, किसका करते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है ना, क्लोरोक्वीन, अगर बताइए। क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन, हैलोथेन का, किसके, नहीं, हैलोथेन क्लोरोक्वीन का, ठीक है। अरे हैलोथेन का, इसको एस्थेनिया में दिया जाता है, अगर लगा दिया तो उसके बाद आपके साथ कुछ भी किया जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। सुन कर देने के लिए प्रयोग होता है हैलोथीन का, बॉडी सुन हो जाता है, ठीक है, काटेगा भी तो आपको दर्द नहीं होगा, समझे। क्या क्लोरोक्वीन का बोलते हैं इस्तेमाल उसको,
अरे क्लोरोक्वीन का उसको तो उसको बेहोश करने में प्रयोग के किया का जाता है, यहाँ पे मतलब हो हैलोजेन गया, का, के ठीक का है। नाम है। एनेस्थेसिया, क्या बोलते हैं, एनेस्थेसिया जो होता है, एनेस्थेसिया, हाँ, एनेस्थेसिया, जिसमें एनेस्थेसिया। बेहोश, जिसमें क्या कहते हैं, आप तो आपका आप जीवित है, ठीक है, आप जीवित कहने का मतलब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके साथ कुछ भी कर रहा है ना, बॉडी को काटेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ आपको पता नहीं चलेगा। एक क्लोरोक्विन का प्रयोग तो दूसरा चीज में किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये हेलोथेन का एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। अक्सर मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरोक्विन को तो इस्तेमाल किया जाता क्लोरोक्विन है। का प्रयोग किया हाँ जाता है, ठीक है, क्लोरोक्विन है, क्लोरो दूसरा होता है, ठीक है, इसका भी होता होगा कुछ, ठीक है। कौन? और डाई क्लोरोफेनाक का तो ये मतलब इससे मतलब मरने लगता है, गिद्ध वगैरह जो होता है वो मतलब क्या होता है, मरने हाँ, लगता है, ठीक है। मर जाता ये क्या है, तो ये भी एक पीड़क नाशक ही है, है, ठीक है, दवा ये भी ही दर्द मतलब दर्द को कम करता है, ठीक है। मवेशियों ये को दी हैलोजन का जाती प्रयोग होता है, ठीक है, मवेशियों के लिए, बिल्कुल। निम्नलिखित में से है। कौन सा कथन कार्बन यौगिकों के लिए सही है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है कार्बन यौगिकों के लिए सही है, अधिकांश कार्बन यौगिक बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, कार्बन यौगिक के अणुओं के बीच, ठीक है, आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, ठीक है, सही है, बताइए, अभी इनमें से कोई नहीं, अधिकांश ठीक है, कार्बन बिजली का कुचालक, बहुत अधिकांश कुचालक कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये आपके सही है, ठीक है, पहला तो ग्रेफाइट गलत को है, ठीक है, छोड़ ध्यान में के। रखिएगा। अगर बात करेंगे जब पहला वाला जो गलत हो जाएगा, तो जो अणुओं के बीच में आकर्षक बल अगर बहुत प्रबल होगा तो वो कुचालक थोड़ी ना होगा, सुचालक हो जाएगा फिर, ठीक है, तो ये वाला भी तो गलत है, ये वाला भी गलत है, जब कुचालक होगा तो अणुओं के बीच में आकर्षक बल बहुत अधिक प्रबल नहीं होगा। आगे देखें, इस पॉलीहैलोजन, इस पॉलीहैलोजन यौगिक को एक बार सर्जरी में सामान्य संवेदनाहारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे इथर जैसे कम विषैले सुरक्षित, ठीक है, एनेस्थेटिक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से किस यौगिक के बारे में बात की जा रही है, बताइए। क्लोरोफॉर्म तो होगा सर, क्लोरोफॉर्म होगा, इसका होता है, नहीं, बी और सी दोनों। 128 का डी, ठीक है, बहुत सुंदर, 128 का डी, ठीक है, बी और सी बी दोनों का सर। प्रयोग किया जाता है, ठीक, क्लोरोफॉर्म का बेहोश करने के लिए, ठीक है, बी का भी, ट्राई क्लोरो क्लोरोमेथेन का भी प्रयोग किया जाता है, डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, चलिए। लेकिन ये आपका वो बॉडी को संवेदनहारी बनाने के लिए नहीं, संवेदनहारी बनाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे थे, तो हैलोथेन का हेलो प्रयोग हेलो कर रहे थे, ठीक है, मतलब अगर ये थे। अगर आपको लगा देंगे तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, सुन हो जाएगा, मतलब काट भी देंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। बात करें निम्नलिखित युग्म पर विचार करना, ठीक है, नोवोलैक, बैकेलाइट, ठीक है, मेलामाइन, ठीक है, और टेरेलिन, ठीक है, तो बताएंगे नेबोलो का प्रयोग पेंट्स में, बैकेलाइट का प्रयोग मतलब इलेक्ट्रिकल बटन में, या फिर मेलामाइन का प्रयोग नाक टूटने वाली क्रॉकरी के रूप में, या फिर टेरिलिन का सुरक्षित हेलमेट के रूप में, कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मेलिट नहीं है, सारा दूसरा सुमेलित तो है, सही है, तो दूसरा एक और तीन उपायुक्त, सही नहीं है सर। दो उपायुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सब तो सही उपायुक्त है, में से कोई नहीं है, ठीक है, ध्यान में, दो ठीक है, गलत है, उपायुक्त में से कोई सब नहीं है, सही है, ठीक है, तो बताइए सब क्या सही है इसमें सर। डाउट लग रहे हैं। दूसरा तो सही था, दूसरा और चौथा तो जानते थे सर, नोवोलैक सही पेंट है। में यूज किया जाता है, बैकेलाइट की बात करेंगे इलेक्ट्रिक बटन के रूप में, ठीक है, ये भी सही है, मेलामाइन नेट टूटने वाली क्रॉकरी के रूप में होता है मेलामाइन का उपयोग, हाँ जी सर, जी सर, जी होता सर, रहता पहला है। महीना होता है। हाँ टेरेलिन का सुरक्षित हेलमेट के लिए, सारे के सारे सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बैकेलाइट का जो पीछे का लगा रहता है ना, जिसमें लाइट वगैरह दिखते रहता है, ठीक है, तो वो भी तो बैकेलाइट का ही बना होता है। आगे चलेंगे, प्राकृतिक रबर नरम होता है और बल्कनीजेशन की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, इसको अत्यधिक अत्यधिक कठोर और प्रतिरोधक बनाया जाता है, तो बल्कनाइजेशन किसका होता है, सल्फर का, गंधा का प्रयोग करते हैं, गंधकीकरण, सल्फर करते सल्फर हैं, का ठीक है, सल्फर रबर, मिला के सल्फर उसको में कठोर बना सल्फाइड। देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस बिलियन का ठोस उदाहरण है, ठीक है, तो बिलियन का ठोस उदाहरण बताइए, कौन सा गैस बिलियन, निम्नलिखित में कौन से गैस बिलियन में ठोस उदाहरण है, बताइए क्या होगा, 131 का, नाइट्रोजन गैस में कपूर, इथेनॉल का ठीक है, पानी नाइट्रोजन का गैस में मतलब क्या होगा, कपूर, ठीक है, नाइट्रोजन गैस में कपूर जो है गैस विलयन में ठोस का उदाहरण है, ठीक है, घोल ध्यान रखेंगे। जलीय जीव जैसे मछली आदि गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अत्यधिक सहज होते हैं, क्यों होते हैं भाई साहब, सहज बताइए, ठीक है, ध्यान रखिए, गैसों की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ मतलब क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ ठीक है, जाते बिल्कुल, हैं क्या होगा, बढ़ जाती है, ठीक, इजी। गैसों की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ मतलब क्या होती है, बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन से गैस स्कूबा गोताखोरों को टैंकों में भरी जाती है ताकि किसी प्रकार की, ठीक है,
घात कतः से बचा जा सके, क्या भर देंगे? बिल्कुल हीलियम भर देंगे, केवल ऑक्सीजन के साथ क्या मिला देते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की व्यवस्था का आधार है, किस आधार पे, परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु द्रव्यमान, बताइए। बिल्कुल बहुत सुंदर, परमाणु संख्या, ठीक है, क्या होगा, परमाणु संख्या, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, बहुत सुंदर। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्सिनेशन की प्रक्रिया के लिए गलत है, तो ध्यान में रखें क्या गलत है, तो इसका है, इसका उपयोग सल्फाइड एस्को को ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है, ये आपका जो कैल्सिनेशन की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, इसका उपयोग सल्फाइड एस्को के ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है, गलत है, ठीक है। 135 का कैल्सिनेशन कार्बोनेट, ये कार्बोनेट ऑक्सीडेट कर रहा है, पहले कट के पहले आइए, ठीक है, 75 को आईडी से आती है, इस आईडी से आपका इको करता है, बार बार बोलता हूँ इस आईडी से नहीं आने के लिए। ब्रोमीन की एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पे तरल है, ठीक है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के, सॉरी कमरे बोला, कमरे के तापमान पे तरल है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। लिथियम और बेरिलियम जैसे क्षार धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। गैलिनियम एक सीजियम का गलनांक बहुत अधिक होता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तीन गलत है, बिल्कुल तीन और चार गलत है, ठीक है, तीन और चार गलत है, ठीक है, मतलब लिथियम और बेरिलियम जैसे क्षार धातुओं को चाकू से नहीं काट सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी गैलियम, बिल्कुल गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत अधिक होता है, ये भी गलत है, कम होता है, ठीक है, ध्यान रखें, पिघल जाता जल्दी, गलत है, कम होता है, ठीक है। सीजियम का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, तो सौर ऊर्जा में, सौर ऊर्जा वाला जो होता है ना उसमें सीजियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, घड़ी, परमाणु घड़ी में होता है ना, प्लेट में सिलिकॉन का यूज होता है, हाँ ठीक है, इसमें तो प्रयोग होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और सीजियम का किसमें, परमाणु घड़ी में, सौर ऊर्जा में करते हैं ना सर, सिलिकॉन का करते हैं, सॉरी सॉरी, परमाणु घड़ी में करते हैं, मिस्टेक, माय मिस्टेक। कुछ धातुएं ऐसी होती है, किस धातुएं ऐसी होती है जिनका गलनांक बहुत अधिक होता है और हाथ के रखने पे पिघल जाते, कौन कौन धातुएं बताइए, अभी तो ऊपर हुआ है ना, जिसका गलनांक बहुत कम होता है, सीजियम का। सीजियम, हाँ तो यहाँ पे गलत है ना, यहाँ पे बहुत अधिक होता है, गलत हो गया ना, तो इसलिए उसका कम होगा तब तो पिघल जाएंगे ना, तो सीजियम और गैलियम का, ठीक है। सीओ समूह का बंध क्रम क्या है, बताइए, सीओ समूह का बंध क्रम क्या है, ठीक है, बता बताइए, तीन, बिल्कुल ठीक है, तीन, बहुत सुंदर, वेरी गुड। सीओ माया देवी आप कट कर आइए वापस, ठीक है, सीओ समूह का बंध क्रम क्या होता है, तो तीन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एंटीसेप्टिक एजेंट, एंटीसेप्टिक एजेंट कीटाणु नाशक से भिन्न होते हैं, क्यों भिन्न होते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट जीवित ऊतक के लिए गैर विषैले होते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट कमरे के तापमान पर प्रभावी होते हैं, कीटाणु नाशकों के समय के एक छोटे से जोखिम की आवश्यकता होती है, जैविक सामग्री की उपस्थिति में कीटाणु नाशक सक्रिय होते हैं, बताइए क्यों भिन्न होते हैं, बताइए, एंटीसेप्टिक एजेंट जीवन उत्तक में क्या होता है, गैर विषैले होते हैं, क्या होता है, गैर विषैले होते हैं, ठीक है, 139 का ये लिया है, ठीक है, ध्यान रखें। एंटीसेप्टिक एजेंट कीटाणु नाशक से भिन्न क्यों होते हैं, क्योंकि मतलब एंटीसेप्टिक एजेंट जीवित उत्तक के लिए मतलब क्या होता है, गैर विषैले होते हैं, ठीक है। डेटॉल किसका मिश्रण है, बताए, डेटॉल किसका मिश्रण है, बताइए, डेटॉल, डिटॉल नहीं, डेटॉल नहीं, क्लोरो, क्लोरो किसनेल और टेरपिनोल का मिश्रण है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, बारिश होने लगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र है, आसान प्रश्न है, बताइए, तो सूखे बुझे चूने के ऊपर, ठीक है, क्लोरीन गैस को प्रभावित करना है, ठीक है, सूखे बुझे चूने के ऊपर शुष्क क्लोरीन गैस को प्रभावित करेंगे, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या होता है, सी ए, ठीक है, ओ सी एल टू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे, कुछ धातु ऑक्साइड एसिड और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, ठीक है, जिन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, कौन है बताइए, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है, नंबर नंबर दोनों, बहुत सुंदर, क्या हो जाएगा, तो जिंक और मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर बेहतरीन, ठीक है, जिंक और एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जिंक भी हो जाएगा और मतलब क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का क्या है ये, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्साइड है उसका, बिल्कुल ठीक है, उसका ऑक्साइड है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, AL2O3, क्या होता है, AL2O3 ऑक्साइड होता है, ठीक है।
चले निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब प्रश्न क्या है, कुछ धातु ऑक्साइड एसिड और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं जिसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते थे, ZnO, ठीक है, और मतलब Al2O3 होता है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड और ये होता है, ठीक है, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रसाधन समझते हैं क्या होता है, श्रृंगार वगैरह बोलते हैं क्या, उसमें प्रयोग करते हैं, किस कौन सा करते हैं, ट्राइक्लोक्लोरोसन, किसमें प्रयोग होता है, ट्राइक्लोलोसन का प्रयोग किसमें करते हैं, प्रसाधन में, मतलब किसमें, बॉडी वॉश में करते हैं, ठीक है, साबुन बनाने में करते हैं, टूथपेस्ट में करते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक उत्पादन में मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 144 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो क्या होगा, 144 नंबर प्रश्न देखिए, धातुओं के निष्कर्षण के समय सल्फाइड अयस्कों के अतिक धातु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो धातुओं के निष्कर्षण के समय सल्फाइड अयस्कों के अतिक धातु की उपस्थिति के प्रबलता में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, बहुत सुंदर, नहीं रोस्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गर्म करने की प्रक्रिया, रोस्ट करना, गर्म करना का मतलब क्या होता है, रोस्ट करना, नहीं बोला अरे रोस्ट करके ले आओ, रोस्ट से मुझे रोस्टेड चिकन याद आ गया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसकी उपस्थिति में वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के मामले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन परिवर्तित किया जाता है, पता है ये क्या हो जाएगा, निकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर, निकल जो होता है उद्रेक के रूप में प्रयोग होता है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना, उदरपातन ठोसों को सीधे गैसों में रूपांतरण है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा गैसों में द्रवों में बदल देती है, सलाइन की गुप्त ऊष्मा ठोस को द्रव में मतलब बदल देती है, फिर वाष्पीकरण के कारण शीतलन प्रभाव होता है, बताइए कौन सही है, कौन कौन से सही है, एक और दो सही है, गलत सुनना है, ठीक है, गलत सुनना है, ठीक है, गलत सुनना है, तो कौन गलत है बताइए, यही होगा, दो और तीन, दो और तीन, वाष्पन की गुप्त उष्मा गैसों को द्रव में बदल दे, वाष्पन की गुप्त उष्मा गैसों को द्रव में बदल दे, नहीं द्रव को गैस में बदलती है, गैस को द्रव में सारे नहीं बदलते, ठीक है, द्रव को गैस में बदलती है, बाकी सारे के सारे सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए निम्नलिखित कथनों पे, निम्नलिखित वाक्य पे आपको विचार करना, अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देता, अपमार्जक की बात करेंगे, कठोर जल में भी मतलब क्या देता है, झाग देता है, नहाने के साबुन में, ठीक है, उच्च, एक मिनट सुनिए पहले पूरा प्रश्न, ठीक है, नहाने के साबुन में उच्च बसीय अम्ल के, ठीक है, सोडियम लवण का मिश्रण होता है, अपमार्जक का प्रयोग केवल मृदु जल में किया जाता है जबकि साबुन का प्रयोग मृदु तथा कठोर जल दोनों में किया जाता है, बताइए कौन सा सही है, अब सही कर दो, सही है और दूसरा सही है, एक दो दोनों सही है, एक दो, केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक सही, अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देता सही है, नहाने के साबुन में उच्च बसीय अम्ल में सोडियम लवण का मिश्रण होता है, गलत लिया है, अपमार्जक का प्रयोग केवल मृदु का होता है, सॉरी, तो रहता है उसमें, सॉल्यूशन पढ़ दे रहा हूँ, देख लीजिए, अपमार्जक का प्रयोग केवल मृदु जल में किया जाता है जबकि साबुन का प्रयोग मृदु और कठोर जल दोनों में क्या गलत है, ठीक है, इसमें अपमार्जक दोनों में होता है, साबुन केवल मृदु में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसका सोल्यूशन जैसे किसमें, इसमें डाउट हो रहा है, नहाने के साबुन वाला में सोडियम लवण लिया है क्या, ठीक है, उच्च बसीय लवण में सोडियम लवण का, ठीक है, ठीक है, इसका बता दो, शायद पोटेशियम का साथ होता है इसमें, एक मिनट देख लेते हैं, दूसरा नंबर में क्या होता है, हाँ पोटेशियम का होता है, ठीक है, सोडियम का नहीं होता है, ठीक है, KaOH होता है ना सर, KaOH, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सोडियम नहीं होता, ठीक है, आगे चलेंगे, KaOH, ठीक है, बहुत सुंदर, Ka मिल्क और मैग्नीशिया निम्न में से किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है, मिल्क और मैग्नीशिया बताइए किस प्रकार का कोलाइड का उदाहरण है, मिल्क और मैग्नीशिया, ठीक है, ठोस में तरल का, किसमें, ठोस में तरल है, ठीक है, मिल्क और मैग्नीशिया कैसे, ठोस में तरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समस्थानकों और संबंधित उपयोगों के निम्नलिखित सूचियों पर विचार करना है, ठीक है, यूरेनियम का परमाणु ईंधन, कोबाल्ट का, ग्वाइटर का उपचार में, आयोडीन का कैंसर का इलाज में, बताइए क्या होगा, गलत कर दिया ना, ये एक नंबर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, केवल एक नंबर सही है, ठीक है, क्या है, केवल एक नंबर सही है, कोबाल्ट कैंसर हो जाएगा सर, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखें। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, हाँ बोल तो दिए, आयोडीन जाएगा ग्वाइटर में, कोबाल्ट जाएगा कैंसर के, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं ना इसमें, कोबाल्ट 60 है ना, हेयर सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लरों में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, हेयर सेटिंग के लिए मतलब बाल को एक रूप देने के लिए, सल्फर, सिल्के सल्फर आधारित, ठीक है,
सल्फर आधारित, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के तरह आज के आपके एक सेट कंप्लीट होते हैं, 1 घंटा 53 मिनट।